जितने लोग जुड़े हुए, चलिए आ जाइए फ्रेम में। हेलो, यस जितने लोग मैं जिसका नाम ले रहा हूँ सिर्फ वही माइक ऑन रखे, माइक ऑन करेगा, बाकी सब लोग प्लीज अपना माइक ऑफ रखे रहिए जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो। मैं जिसका नाम लूंगा वो अपना माइक ऑन करता चला जाएगा, जो भी बोलने का मन करेगा वो बोल सकते हैं। आकृति प्लीज कंटिन्यू। यस सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून एंड अदर टीचर्स को भी गुड आफ्टरनून। एंड मैंने लास्ट मीटिंग नहीं अटेंड करी थी, उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा था, डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने ये मीटिंग अटेंड करने की पूरी कोशिश की। एंड सर मैम, आई क्वालिफाइड गेट एक्सेल एंड बीटी। गेट एक्सेल में मेरा रैंक 94 है, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था क्योंकि लास्ट ईयर मैंने नहीं दिया था। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू टीचर्स फॉर ऑल द गाइडेंस एंड जिस तरह से आप लोग हमें पढ़ाते हैं, मतलब इट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट, मतलब फ्रॉम एन अकेडमी एंड ई लर्नम बोथ प्लेटफॉर्म्स यू पीपल टीच रियली वेल एंड आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ बोथ ऑफ यू टीचर्स स्पेशली। कांग्रेचुलेशंस आकृति एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जी आकृति, गुड लक। थैंक यू मैम। ओके सो टर्न ऑफ योर माइक आकृति एंड नाउ टर्न अदिति द्विवेदी मैम सामने आ जाइए, मुखड़ा प्रदर्शित किया जाए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून अदिति। मैम ऑडिबल है? यस यस यू ऑडिबल। सर एक्चुअली सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर गेट में और लास्ट ईयर मेरा एक नंबर से मार्क्स से मेरा रैंक मतलब क्वालिफाई होने से रह गया था। एंड ई लर्न के बारे में मुझे अनअकैडमी से ही पता चला था आपके यूट्यूब चैनल से। और सर मैंने मेरे ख्याल से सर मैंने एक महीने पहले ही ज्वाइन किया था जनवरी में और मैंने सर जल्दी जल्दी में मतलब मेरे सारे आपके सारे सेशंस मैम के सारे सेशंस मैंने देखे थे सारे क्लासेस एंड दे हेल्प मी अ लॉट। एंड मैम बस थैंक यू बोलना मैम आप लोग को, मतलब मेरा ये मेरी रैंक 1655 है बट मार्क्स 42.67 एंड अभी मैं गेट अभी नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अन अकेडमी से ही कर रही हूँ। एंड आप दोनों को फॉलो करती हूँ आपके सारे कोर्सेज को एंड थैंक यू मैम, थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कांग्रेचुलेशंस अदिति। कांग्रेचुलेशंस अदिति, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। नाउ ऐश्वर्या, अभिषेक भैया कैसे हैं ऐश्वर्या जी? गुड आफ्टरनून सर। हां जी गुड आफ्टरनून मैम। हेलो सर। हाँ जी बताइए। मैं नाम देख के बता रहा हूँ कि बताइए अभिषेक जी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? नहीं सर मैं नहीं जानती। अच्छा नहीं जानते। सर मैंने मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरा रैंक 461 है और मार्क्स 50.33 है और इलानम का कोर्स ने मुझे बहुत बहुत हेल्प हुआ उस कोर्स से, मतलब मैंने आपसे और मैम से अनअकैडमी में भी पढ़ रखा था पर इलानम से गेट के पर्सपेक्टिव में पढ़ने में बहुत हेल्प मिला। ओके चलिए फैंटास्टिक। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, गुड लक ऐश्वर्या। क्रैक करिए चीजों को जो भी आगे के हर्डल्स है, इंटरव्यूज एंड रिटन टेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। जी सर। आकांक्षा मैम योर टर्न। हेलो सर। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू सो मच। ई-लर्नम के बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता था, लाइक लास्ट ईयर मेरा 5 मार्क्स रह गया था। लास्ट टाइम मैं सर का वो यूट्यूब चैनल देख के ही सारा कुछ प्रिपेयर कर रही थी, बस इस बार वो बायो प्रोसेस का जो भी मेरा कॉन्सेप्ट है बस सर के वजह से ही मेरा क्लियर हुआ है अभी तक। और बाकी रहा ई-लर्नम का, वो तो बहुत मतलब लाइक मेरे लिए तो वो एक मिराकल था जिस दिन वो वीडियो आया, लाइक आई वाज गोइंग टू पे फॉर सम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड मेरा कुछ ऐसा हुआ कि पेमेंट नहीं हुआ कुछ हुआ, फिर मैं देख रही हूँ एक नोटिफिकेशन आया है कि सर का आएगा कोचिंग बोल के, तो वो अफोर्डेबल भी था मेरे लिए, बहुत इजी था लाइक, और जो आप लोग जो पढ़ाए लाइक इट वाज हेवन फॉर मी एंड आप लोगों के वजह से भी जो भी हुआ है वो हुआ है। और मेरा यहाँ इस बार बायोटेक में क्लियर हुआ है, मेरा रैंक है 426 एंड मार्क्स है 43।
Are you there, ma'am? Hello, yes, sir. Bataiye. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Haan ji, very good afternoon. मैम आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड सर जो मैंने सिर्फ वही प्रिपेयर किया था जो आपने अपने नोट्स दिए थे सिर्फ वही किया था और जो PYQ सिर्फ वही पर किए थे और मेरे 44 मार्क्स आए हैं और मैंने शायद ये सोचा भी नहीं था कि कभी हो सकता है क्लियर बट जिस तरह से आपने कहा था कि आप सारे नोट्स अच्छे से पढ़िए और वही कीजिए PYQ किया मैंने बस वैसे का वैसे ही किया और मैंने कुछ एक्स्ट्रा कहीं से भी कुछ नहीं किया मुझे ज्यादा आता ही नहीं था तो मुझे जो आपने बताया बस उतना ही पढ़ा और मेरे 44 मार्क्स आ गए थैंक यू सर थैंक यू मैम थैंक यू अजय सर जिन्होंने मैथ्स भी पढ़ाया और केमिस्ट्री दिव्या मैम और मधु मैम सबको मैम थैंक यू अलॉट सर थैंक यू अलॉट Congratulations. मजा आ गया ये तो काफी खुश लग रही हैं आप 44 नंबर या कुछ 42 नंबर बता रही ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अन्वेषा मैम आप आ जाइए सामने अन्वेषा भट्टाचार्य अगर आप मेरी आवाज सुन यस मैम प्लीज हाय सर हाय मैम I qualified both gate BT and Excel and the whole credit goes to you guys I mean main e-learnum ki platform pe join ki thi around 15th of January or something like that and the entire credit goes to you guys matlab mujhe I didn't know anything I mean I studied ecology evolution everything from Jyoti ma'am and the entirety of molecular biology from sir so thank you very much I mean I owe it all to you guys Congratulations. Even microbiology, I actually studied microbiology, like my honors was in microbiology, but even in the microbiology part, the sums and everything, I studied it all from sir's lectures and it was a huge help, honestly. Thank you so much. I don't like microbiology all at all. मुझे बहुत अच्छा लगता है सर मगर मुझे वो सब वो ग्रोथ काइनेटिक्स के जो क्वेश्चंस थे ना वो ग्रोथ काइनेटिक्स के सम वो बिल्कुल नहीं आते थे सर तीन साल में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हूँ तीन साल मैं वहां से भागती थी वो ग्रोथ काइनेटिक्स के सम से मैं भागती थी इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ यू दैट आई कुड यू नो आई सैट डाउन वन इवनिंग एंड आई सेड मैं सर की लेक्चर आज सुनने वाली हूँ आज मैं सुनूंगी ये ग्रोथ काइनेटिक्स की लेक्चर एंड आई क्लियर्ड इट ऑल आई मीन माई होल कॉन्सेप्ट गॉट क्लियर बिकॉज ऑफ यू गाइस Congratulations, Anvesa, once again, and all the best for your future. Thank you so much. Next, Anvesa Roy. Okay, इन्होंने मीटिंग छोड़ दी. और नेहा ने बात कर रखी थी. नेहा, ऑथर नेहा शर्मा, मैम ऑथर लगा दिया आपने नाम के सामने. चलिए आप बोली दीजिए. मैम सर ऑथर तो इसलिए लग रहा है कि एक्चुअली आई राइट बुक्स और बेस्ट सेलर बुक्स है कुछ मेरी बट अभी उसके बारे में बात नहीं करना है सर एक्चुअली मेरी स्टोरी थोड़ी सी अजीबोगरीब है आई हैव टेकन 13 इयर्स गैप बिटवीन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ टर्म्स ऐसे थे कि नहीं कर पाई थी तब मैम पीजी और उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 14 इयर्स के बाद सारी चीजें नई तरीके से स्टार्ट करी तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे हिले हुए थे मतलब क्योंकि मैं भूल गई थी सारी चीजें एंड आई एम अ मदर ऑफ टू किड्स एक 8 साल की है एक 3 साल की है घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सब करना है बट ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ योर एंड ज्योति मैम्स लेक्चर आई कुड क्लियर इट आप लोगों की जो रिसर्च है गेट को लेके आई वॉज सो इम्प्रेस्ड क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से नोट्स प्रिपेयर करें और जिस तरह से पढ़ाया है मतलब चीज कॉन्सेप्ट्स तो मेरे क्लियर हुए ही साथ में वो याद किस तरह से वाज वेरी इंपॉर्टेंट और वो याद भी रख पाए प्लस जिस तरह से आपने सारी चीजों को इतना इजी और सिंपलीफाई कर दिया कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी अगर मैं ई लर्नम ज्वाइन नहीं करती तो आज मैं क्वालिफाइड लिस्ट में नहीं होती आई एम सो थैंकफुल मतलब मेरे लिए अब कोई अगर इतना बड़ा रिस्क लेके 13 साल बाद चालू कर रहा है फिर से करियर उसके लिए ये लाइफ डेथ का सिचुएशन रहता है कि अगर नहीं किया तो अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है अब कब करूंगी एंड आई एम सो थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू कि आप लोग ने इतनी अच्छी तरीके से ये सारी चीजें सिंप्लीफाई करी कि हमारे जैसे बच्चे जो नहीं भी जीरो से भी स्टार्ट करें वो भी क्वालिफाइड लिस्ट में आ जाए थैंक यू सो मच Congratulations. पहली बात तो अगर आप ई लर्नम से नहीं जुड़ती तो आप हो सकता है एक और बुक की ऑथर होती
में मिल जाता है गौर बुक लिखने के लिए। और दूसरा कि आप बच्चे तो हम एक जैसे ही हैं, बच्चे सबके सब बच्चे ही हैं, कौन सा हम मैं ऐसा नहीं कि अभी मैं 70 साल का बूढ़ा हूँ डंडा लेके चलने वाला हूँ, तो सब एक ही जैसे खुश रहना चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट। अच्छा कि आपने एक इंस्पिरेशन के तौर पर कि इतने लॉन्ग गैप के बाद आपने काफ़ी कुछ अचीव किया, और उस कहते ना कि जहाँ पे पूरा फ्लो टूट चुका होता है, कॉन्सेप्ट के बेसिक्स टूट चुके होते हैं, फिर भी उसको बिल्डअप करना है एंड फिर उसके बाद उन चीज़ों को मेंटेन करना एग्जाम के 3 आवर्स में, तो वो एक अच्छी चीज़ है। मे बी कि ये देख के सर एक्चुअली और उसको छोड़ के, क्योंकि मुझे साइंस से बहुत प्यार था तो मैं खुशी नहीं हूँ पैकेज छोड़ के, एंड आई केम बैक टू साइंस की मुझे प्यार तो साइंस से ही है, तो मैं नहीं अब बाकी की लाइफ में फाइनेंस में नहीं निकाल सकती। सो आई लेफ्ट एवरीथिंग, आई लेफ्ट द होल पैकेज, आई वाज वर्किंग इन एम्स्टरडम यूरोप, बट आई लेफ्ट एवरीथिंग फॉर साइंस। और अगर अब मेरा नहीं होता कुछ तो अब मैं क्या करती, वो वाली चीज हो जाती ना, तो नाउ आई एम हैप्पी। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट आयुषी आनंद, कम टू द स्क्रीन। आपने लिमिटिंग छोड़ दिया, चलिए कुछ लोग बोलना ही नहीं चाहते, चाहते सर किडनी तोड़ देंगे अगर सामने आए तो ना। बंदिता राउत, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। सो आई एम फ्रॉम ओडिशा, भुवनेश्वर। आई जस्ट न्यू अबाउट द कोर्स आफ्टर द आईसीएमआर क्रैश कोर्स, मैंने देखा तो फिर मेरे को वो कोर्स काफी अच्छा लगा, तो फिर आई डिसाइडेड टू जॉइन यू इन गेट प्रिपरेशन। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था फॉर बायोटेक एंड फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ साइंस। आई क्लियर बोथ ऑफ देम विद 187 रैंक इन लाइफ साइंस एंड 1195 रैंक इन बायोटेक। Even though life science mera area nahi tha, I was doing graduation, I did my graduation and MSA both in biotechnology, but I somehow pata nahi kaise ho gaya life science. I was maine chemistry to bilkul bhi padhai nahi ki thi, I was just doing revising the biochemistry, zoology and microbiology. I thought I will be doing microbiology because bahut acche se concept clear ho gaya tha sir ki wajah se, but when I saw the microbiology questions I chose to do zoology. जैसे तैसे करके आई वॉज कॉन्फिडेंट कि क्लियर हो जाएगा, बट इतना मार्क्स आए तो मेरे को पता भी नहीं था, आई डिडंट इवन चेक माय आंसर्स आल्सो, बस करते करते आके मैंने बस आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड थैंकफुली आई क्लियर बोथ द एग्जाम्स। सो क्रेडिट एंड गोज टू यू गाइस मैम एंड सर, कांग्रेचुलेशंस वंदिता एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, लाइक जो भी आप करें उसमें अच्छा क्रैक करें। नाउ बुशरा खान। Thank you, sir. Thank you, ma'am. I think Ayushi Anand is now available. Ayushi, आप गायब हो गई थी, मैं आपका नाम लिया था, आप अभी बोल सकती हैं। हाँ जी बताइए। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. जी very good. जी very good morning. Sir, ये मेरा पहला attempt था gate का। मैं झारखंड से हूँ और अभी MSc के final year में हूँ। Sir, मतलब गेट के बारे में पहले मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर मैंने फिर एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी आपकी जिसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में आपने बताया था, और सर बायोकेमिस्ट्री और जियोलॉजी तो मेरे फेवरेट्स हैं ही, तो मुझे लगा कि आई कैन डू इट, तो सर मैंने ट्राई किया, बट मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया इसे, मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पाई। एक्चुअली आई वॉज डूइंग क्लासेस ऑन एन अकेडमी विथ यू एंड ज्योति मैम, तो मैं बहुत कम टाइम दे पाती थी, और दिस वॉज नॉट माई फर्स्ट प्रायोरिटी गेट, बट सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैंने क्लियर कर लिया सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों के बिना सर नहीं होता। अजय सर आपके एप्टीट्यूड की वजह से 10 में से 9 क्वेश्चन सही हो गए सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मधुश्री मैम की इम्यूनोलॉजी कोर्सेस मैंने स्टार्ट उसी से किया था, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था, मेरा कॉन्फिडेंस उससे मतलब मुझे लगा कि आई कैन डू इट। और ज्योति मैम आपकी तो मतलब मुझे बहुत पसंद है आपकी क्लासेस, डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और सर वीरेंद्र सर के लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है, सारे ही फेवरेट हैं सर के कोट, सर के मोटिवेशन, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। बस अब तोड़ना भी पसंद आता ऐसे ही जेआरएफ भी बनता है। हाँ सर बहुत पसंद है, पर अभी तक तो किडनी नहीं है सर, बचा के रखे बचा के रखो, आईफोन लेना पड़ेगा। आईफोन कैसे जेआरएफ भी ऐसे ही क्वालीफाई हो जाए सर जेआरएफ, उसके बाद हम लोग ऑफलाइन मिले सब लोग। हाँ बिल्कुल जरूर, थैंक यू सो मच सर, कांग्रेचुलेशंस आयुषी एंड ऑल द बेस्ट फॉर सीएसआईआर।
नाउ बंदिता बंदिता से बात हो गई थी, बुशरा खान मैम आ जाइए अगर आप हैं तो। जुड़ी हुई है आई थिंक बुशरा खान मैम, अगर इफ यू आर देयर। नेटवर्क कनेक्शंस भी होता है काश, कुछ लोग जैसे जम्मू कश्मीर से भी होते हैं तो दिस लाइक केसेस। ओके दीपशिखा दास, जब तक वो नहीं आती तब तक दीपशिखा जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अभी तक मेरे को ये ड्रीम लग रहा है कि आप दोनों सामने हो और वीडियो कॉल पे मैं बात कर पा रही हूँ। मेरा नेट क्लियर नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम जब दी थी, तो मैं कहीं और से पढ़ रही थी तो वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, तो अनअकैडमी पता चला कि आप लोग पढ़ाते हो। तो जब मैं फर्स्ट क्लास फ्री क्लास की थी तो क्लास करके लगा था कि मतलब जैसी टीचर मैं बनना चाहती थी वैसा पढ़ाते भी है अभी लोग, सच में वैसा पढ़ाते। मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था कि इतने इजीली कोई कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब नेट सबको इतना ज्यादा टफ बना के रखा है, इसको इतना इजीली कोई कैसे समझा सकता है। खासकर सर आपका बायोकेमिस्ट्री, मैं ग्रेजुएशन से ही बहुत डरती थी बायोकेमिस्ट्री से, लेकिन अभी मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मैं नेट के लिए तो प्रिपरेशन की थी बट लास्ट टाइम हो नहीं पाया, इस बार जो दिसंबर में दी थी, बट फिर से मैं अभी भी अनअकैडमी पे एनरोल कर की हुई हूँ, जून तक है, हो जाए बस गेट हो गया। उसके लिए थैंक यू सो 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 मच सारे टीचर्स को। सर अभी भी गूज बम्स आ रहा है मुझे सर, और बहुत कुछ बोलना है लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। एक ड्रीम है आप दोनों से मैं लाइव मिलना चाहती हूँ, बस नेट क्लियर हो जाए मैं आप लोग जहाँ रहोगे मैं मिलूंगी। ये लाइव ही तो है सर, मतलब सामने से मिलना चाहती हूँ नहीं होता है ठीक है, मैं ये दुआ करूंगा कि आप जल्दी लाइव मिले ज्योति मैम से और बाकी टीम में सर, आपसे भी मिलना चाहती हूँ। मैं तो रहूंगा बाकी सर, ऐसे पार्शियलिटी मत कीजिए। नहीं देखो अगर ये लोग रहेंगे तब तो मैं तो रहूंगा ही ठीक है। ऑल द बेस्ट दीपिका फॉर सीएसआईआर, इस बार निकालना है ना? हाँ सर पक्का से निकालना है। कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच मैम। और सर ये गेट का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये तो और भी अच्छी बात है, पार्टी मिलनी चाहिए फिर इस बात पे सर पक्का सर, कब आओ पार्टी देने में आप बस बोलिए बताएंगे बताएंगे ठीक है सर। ओके ऑल द बेस्ट दीपिका, कांग्रेचुलेशंस। ओके दीपन विता मैम, थैंक यू मैम। दीपन विता 16 AIR कहां है, याद है मेरे को रैंक? यस सर, एम आई ऑडिबल सर? यस 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 यू आर ऑडिबल। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल माय फेलो लर्नर्स फॉर क्लियरिंग द गेट एग्जामिनेशन, एंड सेकंड थिंग आई वांट टू थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट टू सर, टू वीरेन सर, टू अजय सर एंड टू ज्योति मैम, दैट मैंने जो 10 इयर्स के गैप थे, गैप के बाद मैं फर्स्ट टाइम मैं गेट दे रही थी। पिछली बार दिया था 2012 में, उस बार तो नहीं हुआ था, लेकिन इतने सालों के गैप में बाद मैं फर्स्ट टाइम अटेंड किया और उसमें मेरा 16 AIR आ गया, तो मैं बहुत ही खुश हुई। और ई लर्नम से ही मेरा हुआ, अगर ई लर्नम में मैं ज्वाइन नहीं करती तो बिल्कुल भी नहीं होता। पहली बार तो मैं अनअकैडमी से कोचिंग ली थी, ज्योति मैम की जो फ्री क्लास थी उन्हीं क्लासेस को देखकर मैं ज्योति मैम के अनअकैडमी में आई थी। उसके बाद जब सीएसए दिया, नेट एलएस में हो गया मेरा, कोशिश चल रही है कि हो जाए इस बार, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतने सालों के गैप के बाद जो हुआ है वो मेरे लिए बहुत ही मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ, और कोशिश रहेगी कि सर और मैम से जो कुछ भी रियलिस्टिक सीख मिली है एकेडमिक वाइज और जो भी लाइफ लेसन के थ्रू मिली है वो इसको मैं अप्लाई कर पाऊँ, पीएचडी में अप्लाई कर पाऊँ। बीसीए में बीएड भी कर ली थी और बीएड के दौरान मैंने कुछ स्कूल में भी अप्लाई किया था जॉब के लिए, वहाँ पे दो स्कूल में भी जॉब कर चुकी हूँ इससे पहले, लेकिन उस जॉब में मुझे मतलब आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड इन दैट जॉब, तो उसकी वजह से मैंने बैक किया कि मुझे नहीं पीएचडी करना है। इसके बाद अगर आगे चल के मुझे टीचिंग मुझे अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन आई वांट दैट पहले मैं पीएचडी कर लूं उसके बाद आगे चल के टीचिंग कर सकूं, तो इसीलिए मैं चली आई पीएचडी। और इतने अच्छे सक्सेस की वजह से मैं
चाहती हूँ कि इंटरव्यू में मेरा भी हो जाए. पता नहीं कि इतने साल के गैप के बाद मुझे कोई लेगा कि नहीं लेगा. आई एम जस्ट क्वाइट नर्वस फॉर दैट ऑल्सो. बट सर और मैम ने हमेशा समझाया कि अगर टैलेंट है तुम्हें तो ईयर की एज की कोई बात नहीं होती है. तो उसी कॉन्फिडेंस के मैं साथ उसी कॉन्फिडेंस को लेके मैं जाऊंगी. अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हो जाए तो सब सर और मैम वो मतलब वो जो मतलब कॉन्फिडेंस जो मिला है मुझे आप दोनों से उसके वजह से ही होगा. सोलह रैंक ले आना. मतलब अब मैं भी सोच रहा हूँ 10 साल पढ़ाई से छुट्टी ले लूँ, फिर मैं भी कुछ अच्छा रैंक लेके आऊंगा. ये तो अलग ही मतलब सोल्यूशन है. छुट्टी ले लो, 10 साल पढ़ो ही मत, उसके बाद पढ़ो तो फिर अच्छा खासा रैंक लेके आओ. चलो ऑल द बेस्ट सी एस आई आर के लिए, और मेहनत करिएगा और जी आर एफ निकालिए. ठीक है, चलिए फैंटास्टिक. एंड दिव्या अग्रवाल. हाय सर, हेलो मैम, हेलो अजय सर. हेलो. मुझे बहुत अच्छा लगता ई लर्निंग में ज्वाइन करके. मोस्टली मैंने जितना भी पढ़ा था सब ई लर्निंग के नोट से सब पढ़ा था. तो हम गेट के एग्जाम के एक घंटे पहले भी मैं रिवाइज कर रही थी सब कुछ. और देन जब एग्जाम दिया तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था हर एक क्वेश्चन पे. और मैंने एक्सेल और बीटी दोनों क्वालिफाई किया. एक्सेल में 53 रैंक आया मेरा, और मुझे बहुत अच्छा लगा. और एम एकेडमी पे भी मैं हूँ, एक साल का सब्सक्रिप्शन लिया था. और जीएसआर नेट में मैं 3% से रह गई इस बार, लेकिन मैं सच में नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से करूँगी और सीएस भी क्रैक करूँगी. और वीरेंद्र सर की मुझे सारी शायरी और बातें बहुत अच्छी लगती है, और सर से मोटिवेट करते हैं हर क्लास में और हटाते भी हैं. बहुत मजा आता है पढ़ने में. Congratulations, Divya, and all the best for your future. Congratulations. Divya, उसमें वो नारियल है कि ये तोड़ लिया गया है सारा पेड़ में, दिख नहीं रहा है मेरे को, अंधेरा है थोड़ा सा. नहीं एक्चुअली मैं किडनी बहुत तोड़ चुका हूँ ना, तो मैं सोचा था नारियल का यूज करूँ सर फोड़ने के लिए. सो काफी देर बाद जी गौरंग नाइक. लड़कियों का भरमार ज्यादा रहता है इस फील्ड में. कोई लड़का तो आया भाई, आ जाओ. नहीं सर, एक बहुत ही अच्छे से वेट कर रहे हैं. हाँ विनय की तो बात आएगी, बात करेंगे. गुड आफ्टरनून सर. हाँ गुड आफ्टरनून गौरंग. आप सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा सर. फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा गेट निकला है, और वो सब आपकी वजह से है सर. अच्छा मैं आपको एग्जाम नहीं दिया था, ऐसे मत बोलिए ना. नहीं सर, एग्जाम तो मैंने दिया था सर, पर आपने जो सच में मतलब ऑन सीरियस नोट कि आपने सच में इतना अच्छे से पढ़ाया, इतना सॉर्ट करके पढ़ाया ना, कि मेरे को बहुत हेल्प हो गया. क्योंकि मैं ऐसा मतलब बहुत ज्यादा पढ़ता भी नहीं था सर, बस वीडियो लेक्चर्स ही किए मैंने, नोट्स भी नहीं निकाले, पर जितना ध्यान में रहा ना उतने के बेसिस पे मेरा एक्सेल निकला है. ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी कैप्चरिंग पावर जो है अच्छी है, यूटिलाइज करिए उसको. आपकी गिविंग पावर अच्छी है सर, तब हमारी कैप्चरिंग जो कच्ची थी वो मिल गई थोड़ी सी. अच्छा आज दुकान पे बटर सस्ता मिल रहा था क्या? क्वालिटी वाला मिल रहा था सस्ते में. क्वालिटी वाला मिल रहा था. चलो कांग्रेचुलेशंस गौरंग. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर. पर मेरा अभी बीटी के लिए 2 मार्क्स रह गया सर. एक्सेल निकल चुका है, बीटी 2 मार्क्स रह. हाँ बीटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सी एस आई आर वगैरह भी कोशिश करो. एक्सेल हो गया तो एक्सेल से भी ट्राई करो, पीएचडी उससे भी मिलता है. जितना है जिस जो स्कोर कार्ड है उसको लेके आप आगे अप्लाई करो, बाकी कोशिश करते रहो नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए कि वो भी हो जाए तो बेटर है. आपके सीवी में और आपके इंटरव्यूज में उसका बड़ा रोल आता है. जब आपके पास एक से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड होता है तो आप अगर बोलते हो कि यू आर सी एस आई आर या गेट, यू आर लाइक गेट बीटी एक्सेल, तो उससे इंटरव्यू में एक इम्पैक्ट पड़ता है कि बंदे के पास नॉलेज है. ठीक है, सो ये चीज होता है. ऑल द बेस्ट गौरव. और सर अभी गेट स्कोर 378 आया है,
तो अगर अप्लाई किया कहाँ, तो मतलब प्रायरली कहाँ अप्लाई करना चाहिए, शुरू कहाँ से करना चाहिए? जहाँ आप, जहाँ भी एलिजिबिलिटी, हर एक आईआईटी का एक अलग कट ऑफ होता है, उनके ब्रोशर में वो अवेलेबल होता है, हर ईयर वो वेरी करता है, ठीक है? तो वो एक कोई एक प्रीफिक्स डिसाइडेड नहीं होती। जिस भी आईआईटी का फॉर्म आएगा, उस आईआईटी के वेबसाइट पे एक ब्रोशर होता है, उसमें जाके आपको देखना पड़ेगा कि उस स्ट्रीम में जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका कट ऑफ क्या है। उसके अगर आप उससे ऊपर हैं तो उसमें अप्लाई करिएगा। इवन मैं आपको बता दूँ कि आईआईटी बॉम्बे में 350 प्लस का एक बंदा जो है अभी पीएचडी कर रहा है, पिछले बैच का गेट का बंदा। सो इट वाज लाइक कि यू कैन आल्सो डू लाइक, ये स्कोर अगर आपके पास है और आपके पास इंटरव्यू क्रैक करने की एबिलिटी है, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली स्कोर। फर्स्ट रैंक का बंदा भी आईटी बॉम्बे में नहीं एंट्री कर पाता है, इवन अगर 350 प्लस स्कोर वाला जो बंदा है वो जाके घुस जाता है। तो ये इंटरव्यूज़ में आईटी बॉम्बे आपके स्कोर पे बहुत रिलाई नहीं करता, स्कोर पे रिलाई करने के लिए आईटी दिल्ली प्रीफर करता है स्कोर को ज़्यादा, बट बॉम्बे या खड़गपुर मद्रास इवन दे प्रिफर द इंटरव्यूज। तो आप कर सकते हो उसके लिए, ठीक है? Thank you, sir. Okay, all the best, Gaurang. All the best. Okay. Himanshi Chaudhary. Ye naam bhi jana pehchana hai. Yes, ma'am. CSIR LS mein. Hi, sabko. Maine abhi gate Excel aur BT don nikala hai, par Excel ki rank 101 hai and score 730 hai. Thank you, sabko. अजय सर को भी, वीरेन सर को भी एंड ज्योति मैम और वीरेन सर तो वैसे भी फेवरेट ही हैं, क्योंकि आप जो पढ़ाते हो और जितना आप कहते हो ना सिर्फ उतना ही, और ओबीसी मेथड तो हर जगह चलता है, और कुछ याद भी ना रहे ना, सिर्फ ओबीसी के थ्रू क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन की जिंदगी में केबीसी और वीरेन सिंह की जिंदगी में ओबीसी बहुत कुछ लेके जाता है, ठीक है? तो चलिए, ऑल द बेस्ट हिमांशी, और करते रहिए आप जो भी एंडेवर्स है। ऑल द बेस्ट हिमांशी, थैंक यू सर। जेआरएफ की तैयारी कर रही हूं आप दोनों से, फिर से दोबारा मिलूंगी। चलो, बोर नहीं हो जाते क्या पढ़ पढ़ के आप लोग? नहीं सर, जेआरएफ चाहिए ना, और आपसे भी मिलना है। जो जो जेआरएफ किए थे आपसे मिल लिए, अब हमने जेआरएफ किया नहीं, हम कैसे मिलेंगे, अब हमें मिलना है। हाँ, ये भी बात सही है, बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट, पहले कोविड को हटाइए ना, उसके बाद मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, जीआरएफ क्रैक करिए, फिर देखते हैं। चलिए, थैंक यू सर, गुड लक टू अंशी। नाउ हिमांशी के बाद हिताक्षी, ये भी सीएसआईआर क्वालिफाइड है। अरे हाँ सर, मुखड़ा पहचाना हुआ है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, आपकी वजह से ही हुआ है मेरा जवाब। मतलब 22 को मेरी दादी को हॉस्पिटलाइज किया था, और 26 को पता चला था उनको ब्रेन हैमरेज हो गया है। तो मीन्स हमारे घर में से सब चले गए, हम उनके बच्चे बच्चे रह गए थे। आपने बोला था बस पेपर सॉल्व करने की ट्रिक होनी चाहिए और नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना चाहिए। गेट आईआईटी मतलब डीबीटी सबके पेपर सॉल्व किए और नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड किया था, बिकॉज मेरा लास्ट टाइम उनकी वन मार्क्स दे दिया था, और इस बार तो पता नहीं था 52 स्कोर आ गया। थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ताक्षी, चलिए अच्छी बात है। और बिकॉज सर 7 को मेरे छोटे दादा भी एक्सपायर हो गए थे 7 फरवरी को, तो वो तो ऐसा था कि एग्जाम बस देना है, पढ़ाई तो हो नहीं रही थी, बस एक दिन में एक पेपर सॉल्व करना है, जैसे टाइम मिल रहा था पेपर ही सॉल्व करना था। कितने सारे चैलेंजेस है, सी दैट लाइक कुछ लोग जिनके पास नेटवर्क नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली कंडीशंस ठीक नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं कह सकते हैं कि अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं उतने अच्छे कहते हैं कि प्राइस की कोचिंग्स को। दैट हर किसी के लाइफ में एक स्ट्रगल होता है, और उस स्ट्रगल से आगे निकल के कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, और पीछे अपने पीछे जो है डर लिख दो, आप भी उसके आगे चले जाओगे, तो जीत के साथ साथ आप भी आगे आ जाओगे, ठीक है ना? तो हमेशा डर के आगे हमेशा रहना चाहिए, और बढ़िया है, करते रहो, मस्त है। चलिए, जेआरएफ हो गया है, पीएचडी इनरोल करो फटाफट। हिताक्षी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट ज्योति कुमारी। अच्छा, आप टीचर हो, सॉरी। नेक्स्ट तानिया।
काफी देर हो गया था सर कसम की, राइट? नहीं आप बोल सकते हो, आपने शायद जब चले था तो वहां से एक दो वीडियोस देखा था, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ मैं भी किया था, मैंने भी किया था। अच्छा, हाँ बिल्कुल सर, वो बात भी सही है। आपके वीडियो सर सभी के काम आते हैं, चाहे वो एजुकेटर्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो। चलो ये भी अच्छी बात है, सीखने का सर मौका छोड़ना नहीं चाहिए ना, आप किसी से भी सीखने का मौका मिले सीखते रहो बस। चलिए ये भी अच्छी बात है, ये भी ठीक है। तानिया मैम आ जाइए वापस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून सर। मैंने बीटी क्लियर किया है, गेट बीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में, सर आपकी वजह से हुआ है, थैंक यू सो मच सर। और सर मैं पहले भी पढ़ रही थी, लेकिन मैंने पहले बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी अपनी स्टडी, लेकिन जो स्मार्टली पढ़ते हैं वो आपके कोर्स से ही पता चला है कैसे पढ़ते हैं सर, बहुत हेल्प हुई है आपके कोर्स से। चलिए कांग्रेचुलेशंस तानिया, एंड कांग्रेचुलेशंस, एंजॉय करिए, पार्टी हार्ड, मस्त रहिए, चिलैक्स रहिए। और सिर्फ मेरी वजह से नहीं होता, सबसे पहली बात तो एग्जाम आपकी वजह से क्वालिफाई होता है। आप पेपर देने जाते हो ऐसे बोलोगे ना तो पता लगा, जो वो है कहते हैं कि टीम जो होती है आजकल, वैसे रेड बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं ना, तो कहेंगे मैं तो नहीं लोगों को भिजवा रहा हूँ ना, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये मेरी वजह से, आपने हेल्प करी है, मैंने नहीं पूरी ई-लर्निंग टीम ने हेल्प करी है, चाहे मैं हूँ, चाहे अजय है, चाहे विशाल जो कि कभी वो बैकएंड में सपोर्ट करता है, मधु थी, दिव्या थी, या जितनी भी टीममेट्स हैं वो सब इसमें हेल्प करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती है मिलकर ही कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा होता है। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन तानिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लिपिका मैम ऑल द बेस्ट। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आई एम फ्रॉम ओडिशा। स्पेशल थैंक्स टू माय बाबा, मामा, पेरेंट्स एंड माय एल्डर सिस्टर। आई हैव क्वालिफाइड गेट एक्सेल एंड इट्स माय फर्स्ट अटेम्प्ट। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आई हैव डन द टर्नओवर नंबर एंड मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। वीमैक्स एक टर्नओवर नंबर, दैट इज द केकेड इक्वल टू वीमैक्स बाय ईटी and the Michaelis Menten equation, that's my first question. जब O हो गया तो मैं बाद में फिर करते गई focus बोले, और ज्योति मैम जो first बोले थे exam के पहले दिन, जब आप exam देने जाते हो तो कुछ miracle नहीं होता, बस आप जितना जानते हो उसी का आपको 100% देना है, तो मैं focus fully करते गई और हो गया बस। Thank you ma'am, thank you sir. Congratulations, Lipika. Congratulations. Exactly, शुरुआत अगर अच्छी हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। ये चीज मैं बार बार कहता था कि पहले क्वेश्चन उसको ढूंढना जो कि आता हो, और चलिए अच्छा किया आपने। एंड वंस अगेन या यू आर ऑडिबल लिपिका, एनीथिंग यू वांट टू से? ओके वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन लिपिका, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर। मधुमंती नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरा गेट एक्सेल और गेट एक्सेल और हाँ जी बोलिए, सुनाई दे रहा है। हाँ सर, मेरा गेट एक्सेल और बीटी दोनों ही हो गया है, और बीटी मेरा स्पेशल। Yes, you are audible. आप बोलते रहो, वो लोग जुड़ते जा रहे हैं ना, तो मे भी आपको बीप साउंड पता चल रहा हो। हाँ, बोलते जाइए, कंटिन्यू। नहीं सर, मैं नहीं बोल रही, वो लिपिका शायद वो पूछ रही है। अच्छा लिपिका, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ओके प्लीज कंटिन्यू। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? सर ये लिपिका है। सर आप अपने एंड से ऑफ कर सकते हैं माइक? हाँ आप बताइए, कंटिन्यू करिए। ओके आई थिंक सम नेट कन्फ्यूजन इज गोइंग ऑन। सर मैं बताऊं क्या? रुक जाइए। लिपिका मैम कुछ बोलना चाह रही हैं। एक्चुअली इसका कनेक्शन सच स्लो है, तो वो बहुत लैग आ रहा है। आई थिंक सोन को लेट सुनाई दे रहा है हमारी बातें। हेलो सर। हाँ जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। जी जी जी, यू आर ऑडिबल।
सर मेरा पहला क्वेश्चन जो था टर्नओवर नंबर और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी का जो सर था KK equal to Vmax by ET and Michaelis Menten equation और पहले में की उसके बाद सर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम ब्रॉड रिलेशन का जो सर वो सब स्मूथली करते गए सर जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड इकोलॉजी इकोलॉजी इवोल्यूशन पर्सन दैट सर डन जस्ट बिकॉज वेल लिव बाय ज्योति मैम एंड फॉर एप्टीट्यूड पर्सन आई हैव स्पेशल थैंक्स टू अजय सर एंड माई फैमिली मेम्बर ऑल्सो नेट नहीं हुआ सर इस बार प्रीवियसली जो मैं नवंबर में थी और अभी मैं आपसे और ज्योति मैम से पढ़ रही हूँ ट्राई कर रही हूँ नेट हो जाए सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था गेट का ओके कांग्रेचुलेशंस लिपिका चलिए मेहनत करिए ऑल द बेस्ट कांग्रेचुलेशंस ऑल द बेस्ट फॉर सीएसआईआर क्लैक करिए उसको इस बार ठीक है ओके मधुमंती आप आ जाइए क्योंकि वो बायो प्रोसेस का मेरा बहुत प्रॉब्लम होता था समझने में मैथ्स स्पेशली तो मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट बीटी तो फर्स्ट अटेम्प्ट था एक्सेल मैंने दिया हुआ था पहले पर वो रैंक बहुत नीचे था 4 digit का रैंक था पर इस बार वो 316 है एक्सेल का और 214 है बीटी का तो मैंने पहली बार दिया है तो वो मैंने पूरा सर के वजह से ही हुआ है और मैम आप तो मतलब आपका क्लास तो मैं अनअकैडमी में ही देखती हूँ और यहाँ पे भी फॉलो करती थी पूरा किया था और एप्टीट्यूड सेक्शन भी मेरा अच्छा किया था और मैंने ये गेट का जो प्रिपरेशन किया था ना उससे ही मैंने TIFR का भी दिया था एग्जाम तो वो भी मैंने क्वालिफाई किया है तो आपको ही क्रेडिट जाता है पूरा अनअकैडमी और ईलर्नम दोनों Congratulations, Madhumanti, and all the best for your future endeavors. All the very best. Thank you, sir. Okay, Mohit Chauhan. Oh, Nadan Parinde, ghar aaja. Hello, good afternoon, everyone. Haan, good afternoon. Very good. Sir, actually, I have qualified for both GATE and BT and Excel both. Ye mera first attempt tha. Aur dono mein acha hai. मैंने सोचा नहीं था दोनों में से एक भी होगा बट दोनों हो गया और अब भी मास्टर्स खत्म हुआ था एंड द मैटर ऑफ द फैक्ट इज के मैं जॉब कर रहा था ड्यू टू कोविड सिचुएशन थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम था तो मैं अकेला ही अभी जॉब कर रहा था तो जॉब नहीं करना था तो भी कर रहा था और लास्ट के हॉलीडेज ले लिए और 10 days ही मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता सर मैंने मैथमेटिक्स में नियरली बीटी में 5 to 7 सॉल्व कर लिए और 3 तो मेरे ऐसे ही चले गए ड्यू टू मैंने डेसिमल में गलती कर दी 17 का 17 और 117 का ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो यस अच्छा था आपकी वजह से क्लियर हो गया आई एम हैप्पी नथिंग मच कांग्रेचुलेशंस मोहित वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए नाउ थैंक यू सर मोंद्रिया बैनर्जी मोंदिरा अच्छा मोंदिरा मंदिरा ओ बंगाली मोंदिरा चलिए वापस आ जाइए कहां पे हेलो सर या हेलो मोंदिरा सर मैं आप दोनों से अनअकैडमी में तो पढ़ती ही थी फिर ICMR का आपका ई-लर्नम पे जो क्रैश कोर्स है वीरेंद्र सर मैंने उसको फॉलो किया था तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा था तो उसके बाद ही मैंने आपके यूट्यूब सेशन पे देखा कि आपने इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं गेट का भी क्रैश कोर्स तो उसी से मैं ई-लर्नम में भी ज्वाइन की गेट क्रैश कोर्स तो ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और मेरा क्लियर हो गया है तो मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं आया है पर मेरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आप दोनों की वजह से बहुत ही ज्यादा क्लियर हो रहा है और मैं कोशिश करूंगी आगे CSIR निकाल लूं मैं CSIR में भी CSIR कैटेगरी में अनअकैडमी में से पढ़ती हूँ तो देखते हैं जून वाला एग्जाम क्या होता है थैंक यू बोथ ऑफ यू कांग्रेचुलेशंस All the best for CSIR and jaldi crack thank you sir thank you all the best thank you
नाउ नेक्स्ट निष्ठा भारती संचिता प्लीज अपने माइक को ऑफ करिए आप जब आपका टर्न आएगा तो प्लीज उसके बाद ऑन करिएगा निष्ठा भारती आर यू देयर मैम थोड़ी निष्ठा से आप अगर उधर हैं तो इधर आ जाएं अच्छा नहीं है कोई बात नहीं पवन केकेसी पवन आ जाओ भाई सामने हेलो सर am I audible yes yes you are audible yes am I audible sir yeah hi sir hi ma'am good afternoon hello Pavan सर मैंने ना मतलब ये सेकंड अटेम्प्ट है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रिपरेशन किया नहीं था और मास्टर्स पास आउट करके मेरा 2 इयर्स हो गया सो कोई सीएसआर भी नहीं हो रहा था और गेट भी नहीं हो रहा था बहुत डिप्रेशन वगैरह लग रहा था ऐसे पर अभी भी जो स्कोर आया मेरा मतलब मेरा कास्ट में से हुआ है तो मेरा रैंक भी बहुत मतलब ज्यादा हो गया सो अभी देखना पड़ेगा कहाँ पे अप्लाई करो बट थैंक यू टू यू एंड मैम कि मेरा कंसेप्ट एक्चुअली यू नो प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ और उसके वजह से एग्जाम में भी बहुत हेल्प हुआ मुझे कांग्रेचुलेशंस पवन एंड ऑल द बेस्ट अप्लाई करिए जहाँ पे बेटर हो इंटरव्यूज एंड ऑल के लिए भी प्रिपेयर करते रहिएगा साथ साथ में सर और एक सर ये नेगेटिव पीपल जो रहते हैं ना लाइफ में मतलब जो आपको बोलते कि आप पीएचडी के लिए नहीं रेडी हो आप नहीं कर सकते पीएचडी उनसे मतलब कैसे मतलब हाउ टू डील विद देम उसका एक वर्ड है आई कैन नॉट प्रोनाउंस लाइक पूरा मैं बोल नहीं सकता बट उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीएमजे ठीक है ना पहला वर्ड बीप में जाओ ठीक है ना बस इतना बोलना है ठीक है ना और कुछ नहीं देख हर किसी का एक ओपिनियन होता है किसी को विराट कोहली पसंद है किसी को सचिन तेंदुलकर किसी को वीरेंद्र सहवाग तो किसी को एबी डिविलियर्स हर किसी का एक ओपिनियन होता है और किसी चीज को देखने का नजर जैसे एक पर्सन को देखने के हर किसी का एक अलग परसेप्शन होता है वैसे किसी कोर्स को किसी डिग्री को देखने का हर किसी का एक अलग परसेप्शन होता है जो खुद कहते हैं ना कि हमेशा अगर जो एक पॉजिटिव इंसान होगा तो आपको उसको पॉजिटिव क्वालिटीज को भी बताएगा कि पीएचडी में कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं एंड जिसका काम ही होता है देखो ज़्यादातर पीएचडी लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग पे जाते हैं फ्रस्ट्रेटेड का मतलब वो जाने के बाद उनको 2 पेपर निकालना होता है बाकी ज़िंदगी में कुछ करना नहीं है जब कुछ करना नहीं है तो उनको लगेगा कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है जब यू अगर आप अपने अंदर स्किल लेके ही नहीं आओगे तो कैसे फिर उसको इम्प्रूव करोगे आप किसी भी इवन इफ़ यू आर अ कंप्यूटर साइंस लाइक इंजीनियर आप अगर उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो यू विल नॉट गेट जॉब ऐसा थोड़ी कि कंप्यूटर इंजीनियर बन गए तो आपको जॉब ऐसे कटोरा में लेके आएगा दैट वाज नॉट लाइक दैट ना उसमें भी तो मेहनत करना होता आपको प्लेसमेंट क्लियर अप्लाई करना होता तो इट इज़ ऑल अबाउट योर वर्क अगर आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा करेंगे इट्स नॉट अबाउट अदर्स ओपिनियन एंड डोंट फॉलो अदर्स ओपिनियन वो सिर्फ अपना विजुअल या अपना एक्सपीरियंस बताते हैं ठीक है ना सो चलिए सुनिए मत बस सीधे बी एम जी और सर आपके हेयरलाइन का ना मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपके बहुत अच्छे हेयर से बहुत मस्त सॉरी मतलब मैं हेयर नहीं लड़की बोलती तो समझ में आता है ओके अरे नहीं मतलब मैं तारीफ ही कर रहा हूँ ना सर चल ले लीजिए ना तारीफ ही तो कर रहे हो नहीं यही तो मेरे अंदर बुरी आदत है मैं तारीफ को बहुत रेयरली एक्सेप्ट करता हूँ चलिए थैंक यू सो मच पवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ओके प्रियंका नेक्स्ट प्रियंका पारिदा आर यू देयर मैम प्रियंका पारिदा प्रियंका पारिदा आर यू देयर मैम आई रिपीट प्रियंका पारिदा आर यू देयर मैम आपका बच्चा खो गया है स्टेज पे संपर्क करें चलिए थैंक यू सो मच प्रियंका पारिदा पता नहीं आप हैं कि नहीं है रजनी कन्वर आप भी नहीं है अरे ऐसे कैसे रजनी कन्वर अच्छा ठीक है रामाकर्ण सॉरी चलिए कोई तो है
गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, एंड दिस इज रमा सर. ओके रमा. हाँ ठीक है रमा. ठीक है मैं एक्चुअली ना पुराने जमाने की प्रवृत्ति का हूँ तो मैं वैसे ही रामा प्रसाद टाइप कर लूँ. सॉरी फॉर दैट. हाँ बताओ. एक बार में कोई भी नेम करेक्ट ले ही नहीं पाते. तो ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और जो मेरा लास्ट ईयर का अटेम्प्ट था मुझे उससे 3 डेज पहले मिलने सर आपकी यूट्यूब वीडियो देखी थी और तब मुझे लगा कि काश मुझे ये पहले मिल जाता. मैंने लास्ट ईयर सिर्फ 1 मार्क्स से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई बट इस ईयर मैंने तब से सोच रखा था मैं आपको फॉलो कर रही हूँ यूट्यूब पे अन अकेडमी पे और मैंने इस बार क्लियर कर लिया. मेरा गेट बायोटेक में 586 रैंक है और मैं और अच्छा कर सकती थी बट कुछ सिली मिस्टेक्स मैंने ही अपनी कर ली और 507 स्कोर है और पर मैं NIT लेना नहीं चाहती. IITs में जाना है तो बताइएगा कि मिल सकती है या नहीं. एंड थैंक यू सो मच आपकी माँ और मैम की वीडियोस देख के मतलब बहुत मोटिवेटेड बहुत मोटिवेशन भी मिलता है और बहुत इजी कंसेप्ट्स और बहुत अच्छे से आप समझाते हैं. What is your score, ma'am? 5.7. आपको तो जाना चाहिए IITs में. जिस IITs में जाइए ये बोलिए कि मैं ये मेरा गांव है और मैं यहाँ का बाजीराव सिंघम. इस स्कोर पे कौन नहीं लेगा. इफ यू कैन क्रैक द इंटरव्यू एक आप एलिजिबल हो जाओगे. एक दो को छोड़ दो IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे. IIT दिल्ली का स्वैग थोड़ा ऊपर होता है बट स्टिल उसके बाद बाकी IITs पे आप निकल जाओगे. IIC बैंगलोर वो तो भाई उनको छोड़ दो. वो तो लगता है फॉरेन में बना के रखे यूनिवर्सिटी. इंडिया में है ही नहीं. ठीक है ना वो 800 प्लस वाले लोग हैं तो ठीक है बट बाकी 3 को छोड़ के आप अप्लाई कर सकते हो. एंड यू कैन गेट इवन IIT बॉम्बे भी अप्लाई कर सकते हो. IIT बॉम्बे भी थोड़ा लो कट ऑफ लगता है अपने लिए. नाउ ऑल द बेस्ट. थैंक्स सो मच. ओके रंजना. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Thank you so much, sir. Raveen sir, Jyoti ma'am, Ajay sir, and Madhu ma'am, Divya ma'am also. So, मैंने अन अकेडमी पहले ज्वाइन किया था मार्च में. उससे पहले मैं वैसे तैयारी कर रही थी. प्रोजेक्ट फेलो थी तो मेरा 3 साल का गैप था तो मैं कर ही नहीं पा रही थी. जैसे 1 मार्क्स से रह गया 2 मार्क्स से रह गया. तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मैंने अन अकेडमी मतलब सब्सक्रिप्शन ले लिया. तो सिर्फ मैंने वीरेन सर और ज्योति मैम को ही फॉलो किया और उसके बाद मतलब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था. मुझे था कि बस ये अभी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है लाइफ में. तो फिर मैंने जितने भी एग्जाम दिए ऑलमोस्ट क्लियर हो गए. तो इसमें क्या हुआ कि मेरा नेट भी मतलब LS क्लियर हुआ बट कुछ पॉइंट से कुछ परसेंटाइज से पॉइंट से रह गया है GRF. तो मैंने अभी दोबारा से अनअकैडमी सब्सक्राइब कर लिया है और फिर मैं फॉलो करूंगी. अभी मेरा गेट एक्सेल हो गया है और PGIE एंट्रेंस क्लियर कर लिया है मैंने और PUPSD हो गया है और मेरी इनरोलमेंट भी हो गई है PSD में. अभी लास्ट वीक ही हुई है और सारा क्रेडिट मैं बस वीरेन सर ज्योति मैम को देना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है. क्योंकि मतलब ऐसे फैमिली में प्रॉब्लम भी थी कि क्या करूंगी. मतलब अभी ये चीज हो गया कि चलो अभी कुछ तो दिखा. अभी मैं नेक्स्ट अपने GRF क्लियर करूंगी और फिर मिलूंगी. थैंक यू सो मच. आपने बहुत बहुत हेल्प की है मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे होता है ना कि लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए. तो मेरे लिए तो मिरेकल्स ही हुए हैं. अभी जितने भी एग्जाम दिए जिस भी इंटरव्यू में बैठी सारे क्लियर. तो सब कुछ ऐसा हो गया कि मतलब पहले ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया था. टीचर्स भी ऐसे विश्वास छोड़ गए थे कि तुमने MSc टॉप किया है कैसे किया था कि तुम्हें DST सब प्रोजेक्ट भी मिल गया सब कुछ मिल गया तुम्हारा कोई एंट्रेंस क्लियर क्यों नहीं हो रहा है. क्योंकि टाइम इतना नहीं था और जो क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स थी वो मुझे वीरेन सर से मिली है ज्योति मैम से मिली है. तो फिर मतलब ऑल थैंक्स गोज टू वीरेन सर ज्योति मैम. और मैंने पिछला वो मतलब मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई थी तो मुझे बहुत पछतावा था बट अभी मुझे ये था कि मैं थैंकफुल कहना चाहती हूँ कि दोनों टीचर्स को. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू. ऑल द बेस्ट रंजना. वैसे मेरे नाम में वैसे भी मेरे नाम में जो नाम है ना वो वायरस मेरा नाम मिला के वायरस हो जाता है और वायरस का काम ही होता है ट्रांसफॉर्म करना है ना. तो मैं ट्रांसफॉर्म ही करता रहता हूँ. चलो अभी बस मैंने कर ली है
और बस क्लासेस लगाऊंगी और फिर आपको रिपोर्ट करूंगी मुझे एसक्यूएम चाहिए या फिर जेआरएफ। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऑल द बेस्ट रंजना। और सर जो डब्ल्यू आप ले रहे हो, मैंने आपको कल बोला था मुझे गेट चाहिए क्लास में, आप बोल रहे थे ना बीएमडब्ल्यू वाला, तो AIR1 वाले नेम से ज्वाइन किया है RV AIR1, तो फिर मैं ऐसे लाइव क्लासेस अटेंड कर रही हूँ, अभी लास्ट हफ्ते ही लिया दोबारा से अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन। चलिए ऑल द बेस्ट रंजना एंड होप कि आप जल्दी GRF क्रैक करें और जो भी है गुड लक। रश्मि चौधरी सर, गुड मॉर्निंग सर। दो दो लोग ये तो जुड़वा दिख रही है मुझे सर। रजनी कंवर और दीपांजलि शर्मा सर, हमने एक्साइटमेंट में कॉल ही कट कर दी थी एक्साइटमेंट में कॉल लगते हुए सुना है, कट करते हुए पहली बार सुन रही हूँ सर। हम मैम अनम्यूट करने लगे ना तो कॉल ही कट कर दी, मतलब अचानक से। ओके बताइए। थैंक यू सर मैम, फर्स्ट टाइम आप दोनों की वजह से कोई भी एग्जाम, मतलब फर्स्ट एग्जाम क्लियर हुआ है, और मैंने जब घर पे बताया तो इतने ज्यादा खुश हो गए कि मेरी मम्मी रोने लग गए, तो मतलब वो बहुत बहुत ज्यादा खुश थे, तो मतलब इतना नहीं पता था कि इतने ज्यादा खुश हो जाएंगे, और फर्स्ट टाइम मतलब कोई भी मतलब एग्जाम क्लियर किया है। और सर मतलब जहाँ अभी हम पीजी में हैं, हम दोनों MSc कर रहे हैं, तो कनेक्शन हमें पढ़ने का टाइम याद से फिर भूल गई सर। थैंक यू मैम। सर ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मे बी नेटवर्क इश्यू इज देयर, इज इट फाइन राइट नाउ? हेलो हेलो, या या yes Rajni, you can tell, I think previously you were not audible. जी आप बता सकती हैं अभी मैम। हम दोनों MSc कर रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो हम अपने घर से 11 घंटे मतलब ट्रैवल करना पड़ता है हमें, तो सेंटर था हमारा मतलब घर के हिसाब से भरा था हमने, तो हम 11 घंटे फिर ट्रैवल किया, अगले दिन गेट का एग्जाम दिया, फिर अगले दिन फिर ट्रैवल किया, फिर यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया अगले दिन, तो हमें मतलब पढ़ने का टाइम नहीं मिला था। हम तो पेपर के टाइम पे सर के सिर्फ कोड याद आ रहे थे कि क्या था, तो मतलब एक बार पढ़ लेते ना कि बस कोड याद आ रहे थे, उसका मतलब आंसर नहीं याद आ रहा था कि क्या था, तो टाइम नहीं मिला था, हम बस घूम रहे थे हम कि कहाँ जाएं बस, तो मतलब एक टाइम पे ऐसे हो गया था कि जाएं कि रहने देते हैं, पर हो गया बस धीरे धीरे। तो दो दो एग्जाम थे हमारे, तो फिर से गए, 11 को यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया, 12 को ट्रेवलिंग करी, 13 को फिर से गेट का दिया, मतलब घूम रहे थे बस यूनिवर्सिटी के भी और गेट के भी, पर हो गया मैम, तो बहुत खुश है मतलब घर वाले। चलो कर लिया ट्रैवल उस टाइम, तो अभी खुशी मिल रही है। तो क्या आप दोनों का हो गया क्लियर? यस मैम। अरे आप मैम मेरा तो आप ब्लू वाले यस, आपका नाम दीपांजलि शर्मा JRF के टाइम यस। आपको आपसे पहले भी बात हुई है सर? यस मैम। जी जी वही मुझे पहचाना हुआ मुखड़ा लग रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऋतिक रोशन फेवरेट है क्या आप लोगों का? नो सर। नहीं एक्चुअली उसका गाना ना इधर चला मैं कभी उधर चला, तो हम लोग इधर उधर भागते रहते थे 11-11 घंटे, तो मुझे लगा शायद फेवरेट होगा ऋतिक रोशन। नहीं सर जाना पड़ा, वो तो सर जैसे घर पे बताया था तो बहुत खुश हो गए, मतलब ऐसे होता था कि नहीं होगा, तो एक बार हुआ ना तो पॉजिटिव मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है कि अब सब कुछ हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। इवन इसके पेपर के लिए हमने यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी प्रीपोन करवाया कि प्लीज सर कर दो, हमने बहुत सर सारे क्लास वाले हमारे खिलाफ हो गए थे कि हम फेल हो जाएंगे तुम्हारी वजह से ऐसे ऐसे, तो बहुत कुछ किया था। चलिए ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय करें दीपांजलि एंड रजनी, ठीक है? थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। रश्मि चौधरी मैम आ जाइए वापस। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्ते।
जी थैंक यू सो मच सर. सर जो भी हुआ आप लोगों की वजह से हुआ, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से. एंड सर JRF नहीं हुआ था तो फिर बड़ा ही लग रहा था कि सर अब तो क्या ही होगा. फिर सोचा चलो कुछ तो सीखने को मिलेगा आपसे तो फिर इसलिए गेट का डाला था. और सर हो गया है तो थैंक यू. और आपकी विशेष चाहिए बस इतना ही बोलना चाहूंगी. थैंक यू मैम. बिल्कुल हो जाएगा. और अभी आपको यकीन नहीं हो रहा कि आपका हो गया? आपको देख के लगे लग रहा है कि आपको अभी आप यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा क्वालिफाई हो गया. ठीक है हो जाएगा. गेट हो गया ना आप धीरे धीरे JRF भी हो जाएगा. जिनका भी CSIR अभी तक जैसे कि नहीं हुआ है तो ये गेट का क्लियरेंस उनके लिए बोलते ना एक छोटी सी चिंगारी जैसा भी काम कर सकते हैं कि वो आपके अंदर वो होप एक जगा दे कि नहीं अगर आप ये भी कर सकते हैं तो आप CSIR भी कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाट द रियलिटी इज कि आपको बस एक बहाना मिलना चाहिए जो कहीं से भी मिले जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर दे. तो वो जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अभी एक्यूमुलेट हुआ है उसको आप CSIR में लगाइए वो भी जरूर निकल जाएगा. बस मेहनत करते रहिए. ये चीज तो मैं कह सकता हूँ. अगर आप मुझे देख रहे थे तो गेट एग्जाम नहीं होता. यानी आप दूसरे किसी से पढ़ के आए हो. सही से बताना. उत्तराखंड से हम उत्तर रुद्रपुर से. बहुत अच्छा लग रहा है सर. मतलब गेट हो गया बहुत दिल को तसल्ली सी हो गई है कि हाँ भाई कुछ हो जाएगा. नहीं तो एक साल से अभी ऐसे ही चल रहा था. CSIR भी नहीं हो रहा था. घर में भी सब ऐसे ही बिल्कुल. थोड़ा मम्मी पापा को भी हिम्मत सी मिल गई मेरे करने से. उनको भी थोड़ा हो गया कि बच्चा कुछ कर रहा है घर के कि उसकी मेहनत इतनी बेकार नहीं जा रही है. धरती पे बोझ सब ऐसी रहती है ना तो वो थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़ना पड़ता है मुझे. मतलब थोड़ा मेरा माइंड न्यूरो का चलता रहता है ना तो मैं एकदम लगातार वो पढ़ने का नहीं रहता है मेरे को. बिल्कुल हर किसी लर्नर के अंदर ना वो पूरा पेट्रोल डीजल लेके चलते हैं. सारे के सारे लर्नर जो होते हैं पेट्रोल डीजल अंदर लेके चलते हैं. बस चिंगारी की जरूरत होती है. एक चिंगारी मिलेगी अब देखो सब फोड़ते हुए चले जाएंगे. वो चिंगारी होती है चाहे वो गेट के फॉर्म में हो CSIR. जिसका CSIR होता है गेट अपने आप निकलता चला जाता है. जिसका गेट होता है वो CSIR भी निकाल लेता है. थोड़ा सा बस एफर्ट की जरूरत होती है. एक होप मिल जाती है जिसको बोलते हैं आशा की किरण. वैसे आशा की किरण अगर हम लेने जाएंगे तो फिर किरण का जो है भाई या किरण का जो बॉयफ्रेंड पीटने लगेगा पहले. तो ना तो आशा की किरण लेनी ना किरण का कुछ भी नहीं करना हमें. बस ठीक है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना. ऑल द बेस्ट रिंकू एंड CSIR क्रैक करिए एंड जो भी आप आगे करना चाहते हो. वो बोल रहा था ना अभी पवन भाई की मतलब आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं. हाँ आपके बाल सही में बहुत अच्छे लगते हैं. अभी भी हवा में सूझ रहे ना. मैं तो एक बार ऑनलाइन क्लास में भी आपको गाना वो बोल गई थी. कौन सा था वो गाना जब जब उड़े झूठे सर बुरा मत मानिएगा. पर सर जिससे सीख रहे उनसे मजाक भी कर ले तो क्या दिक्कत होते. अरे सर कुछ बोलिए आप तो स्पीचलेस हो गए. मैं क्या बोलूं इस चीज पे. मतलब अगर बाल उड़ रहे हैं तो पंखा चल रहा है इसलिए उड़ रहे होंगे ना. अब अपन एसी वाले लोग नहीं है ना कि एसी लगा के बैठे रहेंगे ना. पंखा चल रहा है मेरे बगल में. बाल मिलते नहीं है ना देखने को इतना अच्छे. वो कैसे काटे रखते हैं कैसे कैसे उड़े ही रहते हैं उनके बाल जैसे भी. मैंने कहा इनकी खोपड़ी बाल है भी नहीं है. अब मेरे बाल तो खुद भी इतने घने हैं ना सर. मैं इसलिए बाल उड़ाती पूरे अच्छे से डरे नहीं जाए सर खाली में. दिलेर लड़की है सर ये देखिए. दबंग टाइप स्टाइल में जो है आपको बोल रही है. पहाड़ों पे है ना थोड़ा ऊंचाइयों पे है तो भाई जो ऊंचा इंसान है तो नीचे वाले को तो बोल ही सकता है ना. ठीक है कोई हमको डर नहीं लगता कतई किसी से भी नहीं लगता. बस मैं आ रहा हूँ धक्का मारूंगा वैसे तब डर लगेगा. आने दो मेरे को उसी पहाड़ों से धक्का मारूंगा मैं. सर आइए आइए. चलो ऑल द बेस्ट रिंकू.
चलिए एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। रितु गुप्ता नेक्स्ट। हेलो सर। हेलो। Am I audible? Yes, 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 yes. Okay, yes. First of all, thank you so much, teachers. आप लोगों के एफर्ट से ये गेट एक्सेल का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसमें मेरी रैंक 143 है और मेरा स्कोर 703 है। टीचर्स थैंक यू सो मच। सर मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ। मैं गेट के लिए मैं अपने थर्ड ईयर से ही मैं प्लान कर रही थी कि मैं वो मतलब कोचिंग लूँ। 2020 में आप लोगों ने अपने आपका फर्स्ट टाइम आपका क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ था, और उस टाइम से ही आप लोगों का फिर जो मतलब रिजल्ट आया, मैं उसकी मैं एकदम मतलब फैन हो गई कि अब मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं नेक्स्ट ईयर आप लोगों का क्रैश कोर्स एनरोल करूं और एकदम मतलब लिस्ट में आ जाऊं। ये इस चीज का वेट मैंने पूरे साल किया, फिर पूरे लॉकडाउन में मैंने सेल्फ स्टडी की, और फिर जब क्रैश कोर्स का आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन आया कि दिवाली वाले दिन ये लॉन्च हो रहा है, आई वॉज सो हैप्पी कि फाइनली कि मतलब जिस चीज़ का मैंने पूरे साल वेट किया कि हाँ मुझे यहाँ पर एनरोल होना है, और ये किया। फिर दिसंबर में जब स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप लोगों के लेक्चर्स को बिल्कुल भी मैंने मिस नहीं किया, इतने मतलब अच्छे से थॉरो स्टडी की, और फाइनली मैं आज यहाँ पर हूँ कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 143 स्कोर किया है। थैंक यू सो मच टीचर, ग्रेट एफर्ट रितु, कांग्रेचुलेशंस रितु, एंड खुश रहिए, थोड़ा पार्टी कीजिए, पिज्जा उजा खा लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच टीचर। रिया खिलवानी सर जी। बेटा ऐसा फातिमा जी क्या प्रेजेंट कर रहे हो आप, स्क्रीन तो कम कर दो अपना। हेलो जी, हेलो, एक सेकंड रुक। गुड आफ्टरनून वीरेन सर। अरे रुक जाइए ज्योति मैम, गुड आफ्टरनून। रुक जाइए दो मिनट। इसी का सर स्क्रीन शेयर हुआ है आई गेस, वो कुछ भी कर रही है। एहसान क्या नाम है? एहतेशम फातिमा। मैं एहसान पढ़ रहा हूँ। एहतेशम फातिमा जी अपना स्क्रीन जो है मत शेयर करिए, आप चुपचाप बैठे रहिए माइक ऑफ करके, ठीक है ना। आप देख रहे हो काफी देर से कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, ठीक है। थोड़ी देर से आराम से एंजॉय करिए, आपका नंबर आएगा। जो लोग लेट जुड़े हुए हैं वो लास्ट में अब बोलेंगे, हम सीरियल वाइज चल रहे हैं अल्फाबेटिकल। हाँ जी रिया, वापस आ जाइए मैम आप। गुड आफ्टरनून वीरेन सर, ज्योति मैम एंड अजय सर। राइट आफ्टर माय एमएससी आई वाज अवार्डेड विद द डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप टू परस्यू माय पीएचडी। दिस इज माय फर्स्ट नेशनल लेवल एग्जाम सर दैट आई क्वालिफाइड अंडर द गाइडेंस ऑफ यू। सो आई एम रियली थैंकफुल टू वीरेन सर, ज्योति मैम एंड अजय सर, जिनके कारण से मेरे एप्टीट्यूड में 11 आए आउट ऑफ 20, एंड दिस वॉज ओनली द स्कोर दैट आई कुड बी एबल टू क्लियर दिस गेट एग्जाम, क्योंकि जो 11 मार्क्स था यही एड हो गया, बिकॉज सारे बच्चे जो भी होते हैं सारे सब्जेक्ट्स तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन जो गेट एक्सेल में एप्टीट्यूड होता है, जो केमिस्ट्री पार्ट होता है, यही होता है जो कि स्कोरिंग स्कोर पार्ट होता है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, and this year I qualified both GATE BT and EXCEL. So my first priority was GATE EXCEL, and in this I scored 54.67 out of 100, and my GATE score was 659. So right after my completion of MSc in 2018, I was working as a research fellow in National Institute of Immunology. And after my 2 years of PhD there, I received a call from my friend, sir knows her, sir Sandhya ki baat kar rahe ho, and she was my good friend and she is my good friend, and she qualified DST CSIR NET sir se padhkar usne an academy mein qualify kiya. When I was in Agra with her, तो उसने मुझे बोला था कि तू भी अन अकेडमी ले ले और तू भी आराम से क्लियर कर लेगी। मैंने बोला जरूरत क्या है, DST Inspire तो है, कोई जरूरत नहीं है क्लियर करने की। तो जैसे ही उसका मैंने CSIR NET सुना तो आई वॉज सो अमेज्ड
और मैंने भी तुरंत ई लर्नम ज्वाइन किया और मैंने लास्ट ईयर का गेट एग्जाम दिया। तो लास्ट ईयर सिर्फ 10 डेज बचे थे और मैंने अजय सर को कॉल करके लॉग इन करवाया था जल्दी जल्दी, और मैंने वीरेन सर से भी कॉल पे बात की थी और सिर्फ 10 डेज पढ़ा था। एंड अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट क्रैक दैट एग्जाम एंड आई रिमेन बाय 6 to 7 marks जो कि बहुत होता है। सो दिस ईयर तो मैंने क्या किया, मैंने वो जॉब ही छोड़ दिया, मतलब मैंने PhD ही छोड़ दिया आफ्टर 2 years। मैंने सोचा नहीं, अब मुझे डेडिकेशन के साथ ये CSIR नेट तो अटेम्प्ट मतलब देना ही है और क्लियर करना ही है। तो फिर मैं लॉकडाउन में घर आ गई अपने और मैंने June 2020 के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दिया। जैसा ही हमेशा ज्योति मैम वीरेन सर बोलते हैं 10 units आर सफिशिएंट, और मैंने 10 units ही पढ़ते रही। मैंने डेफ बायो नहीं पढ़ा जो कि मेरा बहुत बड़ा लिमिटेशन था, बहुत बड़ा, वो मुझे समझ में आ गया क्योंकि जब मैं एग्जाम में गई, मेरा सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था और बहुत सारे क्वेश्चन डेव बायो के मिले और मैं वहीं पर लॉस फील गई। मैंने बोला कि अब मैं क्या अटेम्प्ट करूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मैंने बहुत अच्छे से अपने को रिलैक्स किया, आई कैन डू इट बोला, क्योंकि सर ने हमेशा बोला था आई कैन डू इट बोलना और पेपर को सॉल्व करना। और अल्टीमेटली मैंने आंसर्स को मैच भी नहीं किया और मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मेरा परसेंटाइल इसको 96.98 था सर, और कट ऑफ 97.13 था जनरल के लिए, आई थिंक इट्स फॉर LS, और JRF के लिए 98 पॉइंट कुछ था। तो मैं बस इतने से रह गई, और इसलिए था कि काश मैं अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी और प्लांट फिजियो मैं दोनों ही छोड़ के गई थी, एनिमल फिजियो, प्लांट फिजियो एंड डेव बायो, जो कि मेरा लिमिटेशन था। तो मैं इस बार मैं स्पेशल क्लास से वो पढ़ रही हूँ क्योंकि ये मैं दोबारा से नहीं देखना चाहती जो अभी हुआ था, जो मैं थोड़े नंबर से रह गई। फिर मैं बहुत लॉस्ट हो गई और ये सर को भी पता है और मैम को भी, मैंने आपको मैम एक बार मैसेज भी किया था एग्जाम के बाद। फिर मेरी हिम्मत नहीं आती थी किसी के भी सामने आने की और मैं बहुत लॉस्ट फील कर रही थी। अल्टीमेटली जब मुझे समझ में आया कि ई लर्नम पे एक कोर्स आ रहा है तो मैंने वहां पे लॉग इन किया, मैंने फिर से यहाँ पे सब्सक्राइब किया और फिर यहाँ से पढ़ने लगी। तो जो मैंने एक चीज देखी, मैंने फिर से अपना फोकस एंड कंसिस्टेंसी वैसे ही रखी जैसे मैं पढ़ती थी। मेरा एक चीज बहुत अच्छा था कि मैं कभी क्वांटिटी के पीछे नहीं भागती थी, हमेशा क्वालिटी के लिए ही पढ़ती थी। तो इसलिए शायद 10 units ही पढ़ पाई थी, पर वो इनफ नहीं था, अभी भी ऐसे ही पढ़ा एंड अल्टीमेटली आई डिड इट। तो वॉट मेन आई लर्न फ्रॉम यू गाइस, मैं वीरेन सर एंड ज्योति मैम के लिए जो सबसे मेन चीज जो मैंने सीखी है ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ सर, 1 साल तो हो ही गया, तो जो मैंने सीखा है आप दोनों से वो है डिकोडिंग क्वेश्चन। अगर ये किसी को नहीं बनता तो सर वो सॉल्व नहीं कर पाता। फर्स्ट मेन थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन एंड सेकेंड इज डिकोडिंग ऑफ क्वेश्चन। और जो मैंने अजय सर से सीखा वो मैंने एप्टीट्यूड पार्ट सीखा और ये मुझे सच में बहुत हेल्प किया है सर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट सबको, कि सबका ये क्रैक हो जाए, जो भी लोग हैं और भी एग्जाम से सर फिर से मिलना है CSIR की ऐसी मीटिंग में, क्योंकि अब तो क्लियर करना ही है, क्योंकि मैं थोड़े नंबर से रही हूँ, शायद EWS कैटेगरी भी होता तो कोई मेरी रैंक लग जाती, मुझे LS भी नहीं मिला सर। थैंक यू सो मच सर। मैम ज्यादा तो नहीं बोल रही हूँ सर, मैम आप ज्यादा तो नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, बहुत सारा है बोलने के लिए। मेरे को एक क्वेश्चन है आपसे पूछने का कि आपने कहाँ पे लिखा हुआ है जो देख के आप बोल रही थी इतनी देर से? कहीं लिखा नहीं हुआ, ऐसे ही बोल रही थी सर, नई नजरें नहीं मिला पा रही सर, थोड़ा डर भी रही हूँ सर। नजरें नहीं मिली, गेट क्वालीफाई करने के बाद नजरें नहीं मिली। जब RA रश्मि चल रहा था, जब कुछ भी चल रहा था ना, तो मुझे पता था रिया तुम्हारा टर्न आने वाला है, तो मैंने सोचा था मेरी एक ये ड्रॉबैक है, मैं इंटरव्यू तो सारे क्वालिफाई करती हूँ सर, लेकिन इंटरव्यू का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि तुम्हें उनको सामने देखना है। मैं कभी भी सामने किसी को भी नहीं देख पाती, मेरा ये लिमिटेशन है, और पर मैं सारे इंटरव्यू क्लियर कर जाती हूँ। बट सर देखो, मैंने अभी NIA भी छोड़ दिया, बट मुझे JRF करना है। और सर मैं ये भी बता दूं, मैं गेट क्वालिफाई करके कोई भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं शायद और अच्छा कर सकती थी। मैं सही बताऊं सर, तो मैंने कॉपी छू के भी नहीं थी, मुझे शायद ये मीटिंग में हमने नहीं बोलना चाहिए सबके सामने, मैंने खोला ही नहीं था ये कॉपी और मैं ऐसे ही चली गई, क्योंकि मुझे लगता था कि इतनी करने के बाद भी नहीं कर पाई। और लास्ट टाइम जब पेपर ही आ रहा था उस टाइम में मेरे 3 members फैमिली के लोग ने लॉस कर दिए थे ड्यू टू कोविड, तो ज्यादा डिस्टर्ब भी हो गई थी, रिविजन का मेन टाइम था, तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी। बट अल्टीमेटली मैंने कर लिया, जैसे एग्जाम दिया था पता था इस बार तो गेट एब्सेंट तो निकलेगा। बेटी भी क्वालिफाई हुआ है सर, लेकिन वो बहुत पीछे रैंक 15-20, पर ये वाला अच्छा है तो इसको यूज करने वाली हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द बेस्ट। एंड मधुश्री मैम और दिव्या अग्रवाल मैम को भी बोलना चाहूंगी मैं, क्योंकि दिव्या मैम का भी कुछ कुछ मैंने पढ़ा था और वो काम भी आया, और अजय सर का तो लास्ट में ही देखा था, सिर्फ एप्टीट्यूड पढ़ के गई थी अजय सर, सोची मॉर्निंग में और
सोचिए लकली हो गया, क्योंकि जो होना होता है ना वो हो जाता है. थैंक यू मैम. मैम डेव बायो की क्लास में मिलती हूँ और अब आ रही हूँ. अब मेरा नाम रिया है, बात भी करती हूँ थोड़ी. हो सकता है ना अकेडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले लूँ मैम, तो हम फिर से मिलेंगे. थैंक यू मैम. कोशिश करते रहिए, जरूर हो जाएगा. थैंक यू. थैंक यू सो मच. कंग्रेचुलेशंस रिया. थैंक यू सर. नेक्स्ट रोहिणी. अरे सर, रोहिणी तो मेरी फेवरेट है. कहाँ गई? क्योंकि वो आपकी वाट लगा देती है बोल बोल के. नहीं ऐसा नहीं सर, याद आ गया मुझे. गुड मॉर्निंग सर एंड मैम एंड अजय सर. जी वेरी गुड मॉर्निंग. हाँ सर, फिर से ऐसे मिलने का मौका मिला, ऐसे बहुत अच्छा लगा. लेकिन मेरा गेट का ऐसे स्कोर इतना अच्छा नहीं हुआ, ऐसे रैंक भी इतना अच्छा नहीं हुआ. मतलब एग्जाम हॉल में मेरा ऐसे कंप्यूटर ऐसे दो बार ऐसे ऑफ हो गया था, तो एक नर्वसनेस थोड़ा, मतलब ये एक्सक्यूज है, लेकिन मेरा थोड़ा ऐसे इसकी वजह से इफेक्ट पड़ा. तो इतना अच्छा स्कोर इस बार नहीं आया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, लेकिन ऐसे क्वालिफाई हो गया है. लेकिन अच्छा रैंक आती तो बहुत अच्छा खुश होती, लेकिन ऐसे जेआरएफ हो गया है उसके बाद ये हुआ तो खुश हूँ इसीलिए. और सर इतना चुप क्यों हो गए? ये तूफान के पहले की शांति है, वो आप बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ. मुझे डर लग रहा है सच में. नहीं नहीं, मैंने अरे नहीं, डरना तो आप सर को आपसे चाहिए, डरना तो मुझे चाहिए ना. इट इज योर मोमेंट, तो तुम्हें बोलने के लिए ही दिया गया है. बिल्कुल. यू कैन से एनीथिंग, मतलब कुछ भी बोल सकते हो. सर अभी तो ऐसे सब्सक्रिप्शन तो खत्म हो चुका है, इसलिए सर स्पेशल क्लास में जुड़ती हूँ मैं ऐसे सर की और मैम की भी कभी कभी, लेकिन सर की मैं हमेशा यूट्यूब में स्पेशल क्लास में अभी भी जुड़ती हूँ, कमेंट भी करती हूँ, लेकिन सर तो मुझे पहचानते ही नहीं है, कभी भी ऐसे रिप्लाई उतना नहीं रहता है मेरे को. मैं किसी को रिप्लाई करते हुए आपने देखा है मेरे को? नहीं सर ऐसे ही बोल रही हूँ. लेकिन ऐसे बहुत ऐसे प्लास क्लास को बहुत मिस करती हूँ अभी, क्योंकि अभी नहीं लिया है. अभी तो ऐसे पीएचडी के लिए एप्लीकेशन एंड इंटरव्यू के लिए ऐसे प्रिपरेशन के लिए, इसीलिए. सर एक ऐसे मेरा क्वेश्चन था, मतलब मेरा तो ऐसे जो मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ उसमें मैंने सीएसआर जेआरएफ के थ्रू ही डाला है, लेकिन अभी ऐसे जो गेट निकला है उसका इतना स्कोर अच्छा नहीं है और रैंक भी, तो मुझे जो एडिशनल क्वालिफिकेशन में जो उधर ऑप्शन है, क्या एक्स्ट्रा नेशनल एग्जाम आपने कुछ ऐड करना है, तो मैं क्या करूँ गेट का ऐड, क्या नहीं करूँ, क्या सिर्फ सीएसआर करूँ? You should apply with CSIR, but do like add the additional qualifications that will like benefit you in interview. ठीक है ना, आप अपने नेशनल क्लास जो भी आपने क्वालिफाई किया, जितने भी नेशनल लेवल एग्जाम, उसको ऐड जरूर करिए, बट जो भी अप्लाई करिए CSIR के थ्रू अप्लाई, मतलब उसको प्राइमरीली रखिए. ठीक है. हाँ वो तो है, उसके थ्रू अप्लाई किया है मैंने. थैंक यू सो मच सर एंड मैम एंड अजय सर से भी बहुत हेल्प मिला एंड मंजुश्री मैम से भी बहुत हेल्प मिला मेरे को ऐसे, और सर मिलना चाहूंगी सर कब, होते देखते. बच गया. थैंक यू सो मच रोहिणी, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. चलिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. साई सरवानी. हेलो वीरेन सर, हेलो ज्योति मैम, हेलो अजय सर, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. हेलो मैम. सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी पूरा ईलर्नम टीम को, आप लोगों के एफर्ट्स, आपका गाइडेंस, जैसा मेथड और स्ट्रेटेजी से आप लोग पढ़ाते हैं उसी से सारा कॉन्सेप्ट, आज तक मेरा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं था, और आप लोगों से मैं अनअकैडमी में भी पढ़ती हूँ, नेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और ये शायद मेरा पहला अटेम्प्ट था बीटी में, मैंने क्लियर किया है गेट. एक्सेल में 2 मार्क्स रह गई और मेरा जो स्कोर है 472 है. मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा अच्छा कर सकती थी, सेटिस्फाई तो नहीं हूँ लेकिन बहुत हैप्पी हूँ कि इतना दूर तक आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि, और आप लोगों से लाइव बात करके भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत कुछ बात है बोलने के लिए लेकिन अभी मुझे वर्ड्स मिल भी नहीं रही कि मैं क्या क्या बोलूँ.
अभी इतना एक्साइटमेंट है. और सर आपसे एक बात बोलना चाहूंगी कि अभी क्योंकि मौका मिला है मैं छोड़ना नहीं चाहूंगी. सर हमारे घर में आपके मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत बड़े फैन हैं और मेरे पापा खुद ही टीचर हैं. हमारे घर में सब लोग मतलब ज्यादा लोग टीचिंग प्रोफेशन से ही बिलोंग करते हैं. तो जब भी आपका क्लासेस होता है मैं लैपटॉप मेरा स्पीकर में ही रहता है और वो लोग भी सुनते रहते हैं आपके क्लासेस. वो बहुत एंजॉय करते हैं. और सर यू वोंट बिलीव अभी इसी टाइम में मैं खुद ही फोन में आपसे बात कर रही हूँ. मैं लैपटॉप में मुझसे जबरदस्ती कनेक्ट करवा के मम्मी खुद लेके बैठी है आपके आपकी ये मीटिंग देख रहे हैं वो लोग. नहीं, मैं तभी कह रहा हूँ दो नाम क्यों जुड़े हुए हैं. तो पैरी पन्ना आशीर्वाद बना रखिये और बेटी को थोड़ा कूट दीजिएगा बैलेंस से, ठीक है. सर आपका वो किडनी तोड़ने वाला डायलॉग तो मम्मी का बहुत फेवरेट है. अभी आपके जितने पंच लाइन है उससे मुझे घर में मुझे पंच मिनट पड़ते रहते हैं. उनको बहुत पसंद है वो डायलॉग. सर बीच में जब गैप भी हो जाता है कभी अगर क्लासेस कुछ वजह से मैं रेगुलर नहीं अटेंड कर पाती हूँ, जब मैं मैम और आपका और मैम का क्लास फिर ज्वाइन करती हूँ मम्मी बोलती है कि ये आवाज बहुत दिन से सुनने को नहीं मिला था घर में. ऐसे भी होता है घर पे. तो सर मैं फाइनली यही बोलूंगी कि मैं ये एक रैंक मतलब सॉरी ये गेट स्कोर से जितना भी मैंने क्वालिफाई जो किया है फर्स्ट टाइम मैं हैप्पी हूँ. और मुझे भी लग रहा है कि हाँ मैं और मेहनत करूंगी तो मैं शायद गेट नेट भी क्वालिफाई कर लूँ. मैं कोशिश करूंगी अपने तरफ से पूरा अच्छे से कोशिश करूंगी और आप लोग का गाइडेंस पूरा अच्छे से फॉलो करूंगी. बस ब्लेसिंग्स बनाए रखिए आप लोग. पता है जो है वेल विशेस और ब्लेसिंग्स तो आपके हमेशा रहेंगे हमारे साथ. तो बस यही बोलना चाहूंगी. थैंक यू पूरा ये लर्नम टीम को भी. थैंक यू. All the best. Congratulations. And congratulations. All the very best. Thank you, thank you. Thank you, sir. And मम्मी और पापा को नमस्ते बोल दीजिएगा मेरी तरफ से. मम्मी तो देख ही रही हैं. जी. बोल दीजिए. हाँ, वो तो देख ही रहे हैं सर. उनको मिल गया होगा. चलिए all the best. Thank you, sir. संचिता पॉल next. आज ये मैम. संचिता जी. बामुलेजा बा अदब होशियार संचिता जी पधारी. कहाँ है मैम आइए. इतना मैं बताओ गेटमैन बन जा रहा बुलाने के लिए. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. जी वेरी गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु इज अटैच्ड टू ई लर्नम टीम. बिकॉज ऑफ योर efforts we are able to crack through this exam sir. This was my third attempt. I have given this exam 2 years before also in 2019 and 2020 and every time I was cut short of 1 marks or 2 marks like that. But this time I followed your e-learnum course and the kind of tricks that you give us that सर आपने हमेशा बोला था कि अपने मिस्टेक्स पे काम करना है. तो फिर मैं वो टेस्ट सीरीज में जितना भी क्वेश्चंस गलत हो रहा था वो एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के मतलब उसका करेक्शन के लिए करती थी. और अभी इसलिए मतलब मेरा एक्सेल वाला क्वालिफाई हो गया. इसलिए आई'd लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू हु आर देयर एवरी मिनट फॉर अस टू क्लैरिफाई आवर डाउट्स. एंड स्पेशली आई वॉन्ट टू थैंक ज्योति मैम. आपने मेरा 2-3 क्वेश्चन बहुत बार मतलब अलग अलग से मैंने रात के 1-2 बजे भी मैसेज किया था तो आपने उसको मतलब उसको क्लैरिफाई किया. तो ये देख के बहुत अच्छा लगा. You're most welcome, Sanchita. And congratulations once again. Yeah, all the best. Next, Satvik, Cisco. It is your title or you are working on the Cisco? No, sir. It's just in kind of network. Okay. Start my name. Satvik, my name. Okay, Satvik. Oh, Satvik. I am from Vizag, sir, Andhra Pradesh. Okay. And I'm currently doing my 4th year in B.Tech Biotechnology. And during my 3-1, one of my seniors, they have cracked gates. They told me, when I asked them, they told me like, take Pathfinder, it will be very nice. But completing Pathfinder like within 6 months seemed very difficult to me, sir. So I ended up doing nothing. Now, I'm unable to complete it in very short time. I was very, like, not confident, sir. I cannot complete. Like I was going through a few of the YouTube videos in the January during that time, sir. Then I found your e-learning channel, sir. Okay. Then during early February, I took the subscription, sir, like 3,200-3,500 e-learning. Then I started to watch the videos, sir. One saying I like, yes, very much is
you told us that don't hit the nail at different spot one time, try to hit the nail at one spot multiple times. So I don't, I'm not in, strong in all subjects, sir. I was good in like hard DNA technology, biochemistry and bioprocessing, that's it, sir. Remaining like, okay, but these are my strong areas, sir. So I don't have much time, so I started watching the, like all the subjects you will only teach me, sir. So I started watching these videos in 2x, sir. Like what I wanted to say, friends, even though I did not study all the subjects, I... Mute your... Mm-hmm. Yeah, continue. Continue. Even though I was not good in all the subjects, I was good in only a very few subjects, sir. But still, I was able to make it, sir. I scored, I was just passed at 31.6, sir, but still, I'm happy, sir. Thank you. Congratulations, Satvik, and hope for your future. Like, do your best in future, and all the best. Good luck. Next, Sharmishtha. Sir, I'm audible. Yes, you are. Hello, sir. Hello, ma'am. Actually, मैं an academy plus student हूँ और मैं prepare कर रही हूँ पिछले साल की जुलाई से. तो अभी मेरा first national level exam clear हुआ है gate. तो मैं ये मेरा second attempt था और मुझे तब से पता था कि ज्योति मैम और वीएन सर से पढ़ूंगी तो सब कुछ clear होने वाला है. तो actually मैं तब से prepare कर रही हूँ और 2 marks की 5 marks से मेरा छूट रहा था, exam clear नहीं हो रहा था. तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरे family members भी सभी बहुत खुश हैं. तो I'm very happy. Thank you, sir. Thank you, ma'am. अब मुझे DBT और CSR दोनों clear करना है. Congratulations, Sharmishtha, and all the best कि आप CSIR और DBT दोनों क्लियर करें और दो बार फिर जुड़े, ठीक है, और दो बार फिर इसी तरीके से आप बोले और फिर मैं दो बार बोलूं congratulations, Sharmishtha, ठीक है. Thank you, all the best. मेहनत करते रहिए. चलिए next, Silpa. मैम आ जाइए वापस. शिल्पा सुनारी बॉल. Are you there? Yes, Shilpa. Sir, ये भी मुखड़ा पहले देखा हुआ लग रहा है मुझे. ये Shilpa बोलिए. मैंने MSc किया है Can you remove your earphone? Earphone निकालिए, क्या पता आवाज प्रॉपर आए. फोन से बोलिए आप, उसका माइक्रोफोन. हाँ, आई थिंक काम नहीं कर रहा माइक्रोफोन. सर, या इट्स फाइन. हाँ, नाउ इट्स फाइन. सर, अभी आ रही आवाज? यस अभी आ रही है. अरे विनय भाई, वीआईपी लोग लास्ट में आते हैं, थोड़ा वेट करो, आखिरी में काफी मजा आएगा. और वीआईपी आप है तो आप आखिरी में ही आएंगे. सुनिए लोगों का इंटरेस्ट, सुनिए लोग क्या किए हुए. हाँ जी बताइए, कंटिन्यू. सर, मैंने एमएससी फूड टेक में किया था और मेरा कुछ भी बेसिक क्लियर नहीं था. और सिर्फ 4 months के प्रिपरेशन में मैंने CSIR मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी क्लियर हो गया. और ऐसे सब्जेक्ट मैंने पढ़े तो मतलब कभी भी मैंने कभी पढ़े ही नहीं थे फूड टेक्नोलॉजी, मतलब डेवलपमेंट बायो हो गया, एनिमल हो गया, कुछ भी नहीं पढ़े थे. तो ये फर्स्ट टाइम था. और थैंक यू मैम का, क्योंकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ने के बाद अभी वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया. और सेम सर, CSIR क्लियर हो गया तो और भी कॉन्फिडेंस मिला, तो गेट भी क्लियर हो गया. तो थैंक यू सर एंड मैम दोनों की. कांग्रेचुलेशंस एंड कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. नाउ विनय विश्वकर्मा भैया आ जाइए, आप बोल दीजिए. अरे काफी देर कब से वेट कर रहे हैं ये. यस सर. सर सबसे पहले तो मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ. सर आपको आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल. यस सर. सर काफी समय से इंतजार करने के बाद नंबर आया. सर एक्चुअली मैं बनारस से हूँ और मेरा गेट बीटी और एक्सेल दोनों क्वालिफाई हुआ. मोस्टली मैं गेट बीटी के लिए तैयारी कर रहा था और गेट एक्सेल मैं ऑप्शनली ऐसे ही रख लिया था. तो मैंने गेट बीटी के लिए आपका ई लर्नम ज्वाइन किया था.
तो मैं केमिस्ट्री पढ़ा नहीं था गेट एक्सेल के लिए, तो मैंने गेट एक्सेल में केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन अटेंड किए थे सारे के सारे गलत हो गए, मेरा एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ। और इसके लिए मैं सर धन्यवाद अजय सर को करना चाहूंगा, क्योंकि अजय सर के मैथमेटिकल्स न्यूमेरिकल और एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से सर मुझे आया, और मेरा फेवरेट भी रहा एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, जिसकी वजह से मेरा एक्सेल में भी हुआ और गेट में भी बहुत अच्छा हुआ। गेट में मेरा 48 मार्क्स आया है एंड 229 रैंक आया ऑल इंडिया। सर आप हमेशा हम सभी को मोटिवेट करते हैं अपने कविताओं के द्वारा, तो मैं सर आपके लिए एक छोटी सी कविता लिखा हूं, अगर आप आदेश दे तो सुनाना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। कि गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। आपकी ऐसी कृपा हुई गुरुजी, आपकी ऐसी कृपा हुई गुरुजी, आपने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक्चुअली मैं बनारस से हूँ सर, और मुझे पता है आप और अजय सर इस समय भी बनारस BHU में रहते हैं सर, तो मैं आपसे मिलना चाहूंगा सर बहुत ही जल्दी। और मेरा सर ड्रीम है, मैं BHU IIT से अपना MTech करना चाहता हूँ, तो सर वहां अगर मैं ज्वाइन करता हूँ सर पक्का ही सर आपसे मिलना चाहूंगा। और सर थैंक यू सो मच सर, मैं आपके पूरे टीम को सर धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इससे जो चीज मैंने सर एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहा था इस चीज का, लेकिन मुझे लास्ट में 2 महीने में सर जो मुझे क्लियर हुआ सारे के सारे डाउट क्लियर हुए सर, वो मैं 4 साल में क्लियर नहीं कर पाया कभी। इसीलिए कहता हूँ बनारसी रहोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, आखिरी बार में बुद्धि खुलती है ना, भोलेनाथ की भी ऐसी खुलती थी आखिरी बार में। यस सर, थैंक यू सर, अच्छी बात है। और अभी सिर्फ हम 2 नहीं रहते 3 रहते हैं, जो हमारा पीछे का जिसको बोलते हैं बैक पिलर विशाल सिंह जो जुड़ा हुआ है अभी, वो दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना विशाल, कैन यू शो लाइक टर्न ऑन योर कैमरा। विशाल विशाल से हाय टू एवरीवन। सर सर जो आपने PPT वगैरह सर, दिस इज हार्ड जो कभी फ्रंट पे बहुत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द स्टेटस मोस्ट ऑफ द थिंग्स होता है विशाल करता है, ठीक है ना, तो ये भी अवेलेबल रहेगा हमारे साथ। तो सबसे ज्यादा अगर IIT BHU में आना है तो इसको पकड़ना, क्योंकि सोर्सफुल इंसान नहीं है, मैं तो टीचर इंसान हूं। ओके सर, सर मैं तो अब सीधे वहीं पे आकर ही आप सबको धन्यवाद करूंगा सर, यहाँ से तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है बस, पास से आके ही धन्यवाद करना। अगर बड़े आदमी को पकड़ना है तो विशाल को पकड़ना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सर बिल्कुल सर, अब पहचान ले आओ सर। चलो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। शिव सम्राट। हेलो सर, हेलो मैम, आई एम ऑडिबल? या यू आर। हेलो शिव। सर मैम मेरी आवाज इको तो नहीं हो रही ना? ना ना ठीक है, फाइन ठीक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और मैं ओडिशा से हूँ, केंद्र डिस्ट्रिक्ट से, और मैंने गेट एक्सेल में 50 मार्क्स स्कोर किया, और मेरा रैंक है ऑल इंडिया 481 रैंक है, और गेट स्कोर है 581। तो अभी सर मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश शायद मैंने पढ़ाई के फील्ड में कभी हुआ नहीं था, आज बहुत खुश हूँ। और जी करता है कि मेरे दोस्तों, मेरे रिलेटिव, मेरा सोसाइटी पूरी, मतलब सबको ट्रीट दूं, सबको खिलाऊं पिलाऊं, बहुत मस्ती करूं, पर फिलहाल उतना पैसे नहीं है तो कर नहीं सकता। बहुत खुश हूं, और मेरा ये जो भी मैं अचीव किया आज, इसके लिए मैं मेरा जो 100% वाला थैंक यू ईलर्नम को करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अनअकैडमी ज्वाइन किया जुलाई को, और फिर मैं ज्यादातर क्लासेस मैम का करता हूँ, फिर सर बिरेन सर के करता हूँ, और किसी एजुकेटर का नहीं करता। पर नवंबर में मुझे पता चला कि ऐसा कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं सर, तो फिर मैंने सोचा कि सब कहते हैं कि अगर हम CSIR का प्रिपेयर करें तो बाकी उसके नीचे जो भी एग्जाम्स है सब हो जाता है, उसके लिए कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यही सोचा, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं। फिर उसके बाद मैंने मैम को मैसेज किया, मैसेज या यूट्यूब पे कमेंट इतना याद नहीं आ रहा, मैंने पूछा कि मैम ऐसा क्या जरूरी है क्या? तो मैम ने कहा इट्स अप टू यू, देखो जो गेट है और सिलेबस हमारा CSIR का सिलेबस सेम है, पर प्रिपरेशन लेवल अलग है। तो उस टाइम मैंने बिना सोचे ले लिया, उतना समझा नहीं था, पर आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि हाँ ये बात
पूरा पूरी तरह से 100% सच है कि प्रिपरेशन लेवल पूरा अलग है, मुझे पता नहीं था। और सर एक्चुअली आज ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, पर मेरे लिए मैं मानूंगा ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि सर इससे पहले जो मैंने दिया था ना सर, जैसे आपको पता ही होगा कि हर बीटेक स्टूडेंट पास होने के बाद कुछ करे ना करे गेट जरूर देता है, वैसे ही एमएससी स्टूडेंट कुछ करे ना करे गेट और नेट जरूर देता है, एक स्वागत रहता है सबका कि चलो दे देते हैं, चाहे तैयारी हो या ना हो अलग बात है। मैं भी वैसा ही था, मैं भी उसी कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस कैटेगरी का कि जिनको की पढ़ाई से ज्यादा बाकी सब चीजों से प्यार रहता है पर पढ़ाई से इतना प्यार नहीं रहता, मैं उस कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने बिना पढ़े दिया था और मेरा बहुत ही खराब मार्क रहा था, पर जैसा अभी थोड़ी देर पहले सर ने कहा कि हर स्टूडेंट के अंदर पेट्रोल डीजल रहता है, तो बस मैं उसी फॉर्म में एक चीज कहना चाहता हूँ कि वो जो पेट्रोल डीजल सार ने कहा मेरे लिए, वो पेट्रोल डीजल मेरे अंदर मेरा गुस्सा है। और ये जो गुस्सा है ना सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं है, हर स्ट्रगलर का रहता है जो वो सोसाइटी से उनको फेस करना पड़ता है, ह्यूमिलिएशन से लेके जो नेग्लेक्ट करते हैं उनको, मतलब इवन हमारे मैं जहाँ पढ़ता था बीएससी वहाँ पे मैं जूलॉजी बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे इतना बायोकेमिस्ट्री का ना पता है ना मोलिकुलर बायोलॉजी का पता है, बस मेरे फील्ड का थोड़ा बहुत अच्छे से पता है, पर मुझे बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी का जीरो नॉलेज था। फिर मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एमएससी करने के लिए, वहाँ पे भी ना टीचर्स मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं इतना कहूँगा कि नॉर्मली मैं जिस यूनिवर्सिटी में था वहाँ पे टीचर्स ऐसे रहते हैं कि जो लोग टॉपर्स है सिर्फ उनके साथ ही मतलब अच्छे से बिहेव करते हैं, जैसे कि मान लो सिर्फ वही अच्छा पढ़ते हैं, चाहे हम अच्छा पढ़े, मैं इतना जानता हूँ, मेरा खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है, मैं खुद पे बिलीव करता हूँ कि मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, पर मैं नहीं देखता कि मेरे टीचर्स मेरे में वो बात देखते हैं जो कि मुझे बहुत हर्ट करता था। और अभी जो मैं पिछले साल ही पास आउट हुआ और हम लोग का थेसिस था सर, अभी मैं आज यहाँ पे कह रहा हूँ पर मुझे डर नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कल को ये चीज यूट्यूब पे अपलोड होगी, पर मैं चाहता हूँ ये बात वो जाने। सर हमारा थेसिस था और थेसिस में सबसे ज्यादा काम मैंने किया, मतलब सुबह से लेके दोपहर तक फिर शाम को मैंने बहुत काम किया, पर हम लोग का तीन ग्रुप था, उसमें से सबसे कम मार्क मुझे दिए, तो मुझे समझ नहीं आया ये किस हिसाब से जज किया उन्होंने, शायद इसलिए कि सर मुझे डांसिंग बहुत पसंद है और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिनको कि सब जानते थे कहाँ ये डांस करता है, तो शायद एक बायस्ड फीलिंग रहती होगी उनकी कि जो लड़का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ज्यादा अच्छा करता है वो कभी अच्छा पढ़ नहीं सकता। और फिर मेरे दोस्त लोग भी कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं पढ़ता, तो ये जो सब इस तरह सा फीलिंग ना सर मैं फील कर पाता हूँ, और यही सब गुस्सा अंदर रहता है और अभी भी है मेरे अंदर कि मैं शायद इसी वजह से और आप लोगों की हेल्प की वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, और मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा ऑल इंडिया रैंक 481 आएगा, और मैं प्राउडली कह सकता हूँ मैं आपका स्टूडेंट हूँ, और मैं चाहूंगा कि जिंदगी में मैं कभी भी कहीं भी जाऊँ, चाहे कहीं पहुंचू या ना पहुंचू, आप दोनों का नाम मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, सिर्फ आप दोनों का नहीं, अजय सर, मधु मैम एंड दिव्या मैम का। तो सर थैंक यू सो मच, और सर मैं जानता हूँ मैं अभी बहुत कुछ बोल रहा हूँ, और सर मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर अभी मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास वर्ड्स शॉर्टेज है, वर्ड्स बहुत है पर अभी इतना चीज याद नहीं आ रहा कि क्या क्या कहना है मुझे। और सर आपके बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ कि सर आप कभी कभार कड़वे बोल देते हो, पर उस कड़वापन में भी ना मुझे एक अपनापन सा लगता है कि चलो सर आप गुस्सा करते हो पर जो भी बोलते हो बिल्कुल टू दी पॉइंट डायरेक्ट, और ऐसा नहीं आप सामने से अच्छा बोलोगे पीछे कुछ और बोलोगे, नहीं आप पूरा ट्रांसपेरेंट रहते हैं, वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सर और मैम आप दोनों से मैंने एक चीज बहुत अच्छे से सीखा, पढ़ाई तो सीखा वो अलग बात है, पर एक चीज बहुत अच्छे से सीखा जो कि है नेगेटिविटी को कैसे मैं पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करूँ, और मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने आज ये अचीव किया, और मैं इतना कॉन्फिडेंस मेरे में है कि मैं आगे CSIR भी क्रैक करूंगा। और मेरा एक आज 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 ये जो हो रहा है मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू ये है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे याद है करीब एक महीने के पहले शायद आप लोगों ने जो लोग CSIR क्वालिफाई किए थे उनके साथ एक मीटिंग ऐसा किया था, तब मैंने देखा था, तब मुझे देख के ऐसा लगा जैसे कि
यार मैं क्यों नहीं हूँ वहां पे, ऐसा वाला फील हुआ था। तो अभी जैसे हम क्वालिफाई किए, फिर सर ने लिंक भेजा ग्रुप में कि हम लोग मीटिंग करेंगे। उस टाइम मैं जैसे कि सातवें आसमान पे था, आज मैं उसी वीडियो में आने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैम आप मेरे फेवरेट टीचर हो। और अभी मुझे 23 साल हो गया है मतलब उम्र में, अभी तक मैंने आपके जैसा टीचर कहीं नहीं देखा। सर माफ कीजिएगा मैम के नहीं, ये बात तो मैं भी कहता हूँ कि मैम जैसा टीचर मैंने भी नहीं देखा। और मेरा दिली ख्वाहिश है कि एक ख्वाहिश है दिल से कि अगर मैं अगले जन्म में इंसान भी पैदा होता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी गुरु रहे और मैं आपका शिष्य। ये मेरी ख्वाहिश है। और सर आपका ना वो जो एक फोटो है ना, जो आप गोल्ड मेडल लिए, एक गोल्डन कलर का ड्रेस ऐसे पड़ा रहता है ऊपर। हाँ जी मास्टर्स का। इंस्टा पे आप अपलोड किए थे, उसमें सर आप कतई जहर लग रहे थे सर, पूरा मतलब हीरो जैसे। जहर हमेशा कड़वा ही होता है, कोई भी दवा कड़वी होती है, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। तो चलो अच्छी बात है, एक बात करते हैं। देखो मैं तुम्हारी एक मनोकामना पूरी कर सकता हूँ। साइनाइड है मेरे पास, मैम अभी जिंदा है, अगला जन्म लेके आ जाओ। चल जोक सपाट। एंड बहुत अच्छा बोला आपने, काफी कुछ बोला। और एक अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज आपके अंदर ये लगी कि एक एनर्जी है कुछ अच्छा करने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस थॉट प्रोसेस के साथ आगे जाएंगे और सोसाइटी में कुछ चेंज लाएंगे। ऑल द बेस्ट सेव, एंड कोई भी जरूरत पड़ती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट एनी टाइप, ठीक है। Okay, श्रुति अग्निहोत्री, जितने लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज कीप पेशेंस, 8-10 लोग ही बचे हुए हैं, तो अब आपका नंबर भी आ जाएगा, ठीक है ना जी। गुड आफ्टरनून टीचर्स। गुड आफ्टरनून। आई हैव क्वालिफाइड गेट पीटी विद 152 रैंक दिस ईयर, एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। मैंने पिछले साल दिया था, तो इट वाज लाइक मेरे 17 मार्क्स आए थे, तो आई वाज बिट मुझे अच्छा नहीं लगा था, बिकॉज दैट वॉज माई फाइनल ईयर एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सबका प्लेसमेंट हो रहा है, तो मेरा भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ होगा, बट वो नहीं हुआ। बट फिर लॉकडाउन अनाउंस हो गया, सो मैंने अब मैं क्या करूँगी। सो देन आई थॉट कि आई शुड प्रिपेयर अगेन फॉर गेट, एंड आई थिंक फिर मैंने वीरेन सर की बहुत सारी जो मोटिवेशनल वीडियोज हैं वो मैंने देखी, एंड आई थॉट दैट कीप्स मी मोटिवेटेड कि मैं कुछ करूँ। और उसके बाद सर ने एक चीज बोली थी कि मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप अपने आप को वहां पे देखो। सो आई जस्ट सॉ माय कि मैंने गेट क्लियर कर लिया है। आई वाज थिंकिंग इन माय माइंड कि मैंने गेट क्लियर कर लिया है, तो मैंने उसकी थॉट प्रोसेस को आगे रखा और मैंने फुल टाइम अपना प्रिपरेशन किया, खुद से सेल्फ स्टडी। फिर उसके बाद सर का एक क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ, सो आई थॉट मुझे अपने सेल्फ स्टडी में भी कुछ लूप होल्स दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि आई शुड जॉइन दिस कोर्स। एंड देन जो मेरे पास लाइक बहुत ज्यादा बल्क में मटेरियल हो गया था, जो कि मैं एक मतलब एग्जाम से पहले आई वाज नॉट एबल टू फिर से पूरा रिवाइज करना, तो सर के लेक्चर से और आप लोगों के वीडियो लेक्चर से आई कुड जस्ट मैंने उसको पूरा अच्छे से रिवाइज करा, मतलब एक ही बार में। सो यस इट हेल्प मी लॉट। और सर अच्छा सर से मैं ये बोलना चाहूंगी, लाइक मेरा एपी जीपी कभी क्लियर नहीं हुआ था 11th-12th में, एंड सर ने मुझे वो एपी जीपी क्लियर किया, एंड आई कुड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, एंड ऑल्सो मेरा वो क्वेश्चन भी सही हुआ, विच वॉज लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज देख के। एंड लास्टली आई वॉन्ट टू से कि मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, पूरी ईलर्नम की टीम को थैंक यू वेरी मच। Congratulations, Shruti, and all the best. Smriti Singh. Smriti Singh, are you there, ma'am? Smriti?
श्रीजा मुखर्जी यस सर एम आई ऑडिबल यस मैम यस यू आर आप पहले भी देख चुके हो yes? हाँ मुखड़ा जाना पहचाना लग रहा है सर मैम आई वांट टू थैंक यू ऑल बिकॉज़ व्हेन आई अपीयर्ड फॉर सीएसआईआर आई गॉट एलएस एंड आई कुडंट क्वालिफाई जेरिफ फॉर 0.7 तो CSIR के रिजल्ट के बाद आई वॉज सो डिप्रेस्ड आई कुड नॉट स्टडी एंड एट द टाइम माई प्रैक्टिकल्स वेर ऑल्सो गोइंग ऑन सेमिस्टर के तो आई कुड नॉट स्टडी आई कुड नॉट डू एनी थिंग तो समझ नहीं आ रही थी कि गेट गेट के लिए आई एम अ कोर बॉटनी स्टूडेंट सो आई नो अबाउट दैट पोर्शन बट फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड आई वॉज अनेबल टू डिसाइड वॉट टू डू तो जस्ट बिफोर 10 days ऑफ द एग्जाम आई थॉट नहीं अब करना है कुछ तो करना है तो मुझे लगा कि लेट्स अटेम्प्ट फॉर जूलॉजी तो लगा कि कोर सब्जेक्ट बॉटनी है सो कैन आई एक्चुअली गो फॉर जूलॉजी सो फिर याद आया नहीं मैंने मैम का डेव बायो का सारा लेक्चर्स देखा है सो इफ आई कैन अंडरस्टैंड डेव बायो आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द अदर पार्ट्स ऑफ जूलॉजी सो आई रिवाइज्ड डेव बायो अगेन And I have downloaded all the PDFs provided by sir. I compiled all of them. It was 230 plus slides and I completed them in 3 days. So, and then जब दो दिन पहले रिजल्ट आया I was out. मैंने मैम का YouTube पे नोटिफिकेशन देखा मैं बाहर थी I was even going to lose my sense कि मतलब ऐसे अचानक से रिजल्ट बिकॉज 22nd को आना था तो मैं घर आई एंड आई चेक माई रिजल्ट एंड आई क्वालिफाइड एक्सेल विद ऑल इंडिया 61 दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई वॉज क्राइंग आई क्राइड फॉर एंटायर 10 मिनट्स आई कुड नॉट बिलीव एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द ई लर्नम टीम एंड बिकॉज ऑफ यू टीचर्स आई कुड क्वालिफाई थैंक यू सो मच बरकरार करिएगा आपने आईएलएस क्वालिफाई किया था लास्ट टाइम तो जीआरएफ निकलना चाहिए नेक्स्ट ठीक है ना नेक्स्ट सुषुम्ना सिंह गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग Am I audible? Yeah. Yes. Yeah, you're audible. मैंने last year big gate दिया मेरे को IIT में नहीं मिला जैसे कि मैं चाहती थी तो फिर मुझे समझ में नहीं आ था क्या करूँ फिर लॉकडाउन भी लग गया हम लोग का एग्जाम भी नहीं हो रहा था बीटेक का फिर जब सितंबर में एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद डीबीटी का पेपर था फिर मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया और 15 दिन मुश्किल से पढ़ा होगा मैंने सर से और मैम से फिर मेरा डीबीटी क्वालिफाई हो गया कैटेगरी 1 उसके बाद मैंने सीएसआईआर के लिए प्रिपरेशन की और मेरा सीएसआईआर में भी ऑल इंडिया रैंक 121 आया और मेरा घर गाँव में है तो मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाती थी तो इसलिए मैं मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाई उस टाइम तो मैं बहुत खुश थी फिर मैंने अभी गेट का भी एग्जाम दिया तो लास्ट ईयर मेरे 2 नंबर थे जनरल एप्टीट्यूड में इस बार मेरे 12 नंबर आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने फिर रिजल्ट देखा फिर मैंने खूब पार्टी की अच्छा तो मतलब जितने गिने-चुने एग्जाम थे सब क्लियर कर लिए कि जिस चीज पे हाथ रखो वो सोना हो जाता है ऐसे ही लोग होते हैं जिस एग्जाम पे हाथ रखते हैं लपेट लेते सर एक्चुअली क्या हुआ कि लॉकडाउन की वजह से घर पे रहने का मौका मिल गया तो घर पे एनवायरमेंट सारा इतना अच्छा होता है बाकी जगह डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहते हैं तो घर पे मम्मी के हाथ का खाना और डैडी की डांट क्वालिफाई तो होना ही था और आप लोग पापा की चप्पल और मम्मी की बेलन खा के देखो तब पता चलेगा घर का एनवायरनमेंट कैसा रहता है यस सर तो लॉकडाउन का मुझे लग रहा है मुझे बहुत फायदा हुआ और
सर मैंने भी बीटेक की है तो, और मैं भी यूपी से ही हूँ, अयोध्या से, तो मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड रहती हूँ और बहुत रिलेट कर पाती हूँ कि हाँ आप जैसे लोग कहते हैं कि कहीं भी पहुंचने से पहले देख लेना चाहिए कि आपसे एक स्टेप आगे कौन है और उन्हें फॉलो करना चाहिए, तो मैं आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू यू एंड यू आर ग्रेट इंस्पिरेशन टू मी. कांग्रेचुलेशन सुषुम्ना एंड ऑल द बेस्ट, जल्दी इनरोल कर लिए पीएचडी में और जो भी आपका ड्रीम्स है उसको अचीव करिए. उदित नारायण शर्मा भाई साहब से पहले भी बात हुई है. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. सर थोड़ा नर्वस हूँ, पता नहीं क्या बोलना है. कुछ भी बोल सकते हैं, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आपके जैसे ही है सब यहाँ पे भी. कुछ भी बोल सकते हो. देखो yes. हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के अलावा और भी सिस्टम्स है, तो उसका भी यूज करो. सेंसरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स है, नर्वस सिस्टम को साइड रखो अभी. नहीं सर, सर आपसे बात होती है सर, आप आईएमएस गाजियाबाद से आपने अपना बायोटेक करा, तो उसके बाद से मैंने अनअकैडमी पे आपका वीडियो देखा, फिर मैं काफी, मुझे नहीं पता था कि मुझसे कभी क्लियर होगा, क्योंकि नीट के बाद मैं भी काफी नर्वस था, कुछ हो नहीं रहा था मेरे से, मतलब यहाँ आ गया बीटेक करके यूपीटी के थ्रू, बस चल रहा था, लेकिन एक ड्रीम था कि करना है गेट, और ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है, मतलब 40 मार्क्स है और 422 स्कोर है, लेकिन फिर भी एक अच्छा हुआ मेरे साथ नीट के बाद, तो काफी अच्छा लग रहा है. और थैंक यू आप दोनों का, मैं यूट्यूब पे और अनअकैडमी पे और ई लर्नम तो मैंने ज्वाइन करा था बस, यही है. ओके कांग्रेचुलेशंस उदित, ऑल द बेस्ट, आप और अच्छा करो आगे, जो भी आपके ड्रीम्स उनको जरूर पूरा करिए, कभी कोई जरूरत पड़ती है तो आप वीरेन सिंह को याद नहीं करिएगा, ठीक है ना. कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं मजाक कर रहा था. चलिए ऑल द बेस्ट उदित. नेक्स्ट उषाशी डैम, उषाशी डैम डैम जो भी है मैम, अच्छा सर है, सॉरी हेलो सर, हेलो मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक ऑल इलर्नम टीम, एंड आई एम अ क्लास प्लानर एंड आई रियली एंजॉय योर क्लासेस, बिकॉज अर्लियर ड्यूरिंग माय एमएससी आई कुडंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स, एंड आफ्टर attaining your SAD and Jyoti ma'am class, I can able to understand those topics and how easily you make all those complex topics simpler. So I think that's why I was able to qualify this exam. And sir, aapki wo tricks and quotes, I mean, those were funny, but wo yaad rehte the. And इस बार नेट क्लियर करनी है और आप लोगों के साथ मीट करनी है, ये आई विल विश. ऑल द बेस्ट उषाशी एंड कांग्रेचुलेशंस. एंड दिस इज माय फर्स्ट नेशनल लेवल एग्जाम दैट आई क्वालिफाई. ओके चलिए शुरुआत हो चुकी है, धड़ाधड़ इसके बाद आएगा, ठीक है ना. नेक्स्ट ऑल द बेस्ट उषाशी एंड कांग्रेचुलेशंस. नाउ उत्प्रेक्षा. सर दिस वॉज माई फोर्थ अटेम्प्ट. मुझे पहले पढ़ना नहीं आता था, मतलब मेरे को लगता है मेरे को प्रिपेयर करना नहीं आता था कि कैसे किसी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं. और मैंने 2015 में अपना बीटेक बायोटेक लिया, मतलब कंप्लीट करा था. उसके बाद से मैंने 2 ईयर ड्रॉप किया था, लेकिन मेरा नहीं हो पाया था. एंड दिस वाज सिंस ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था. मेरा 592 स्कोर है, इतना अच्छा नहीं है, बट मेरे को पहली बार मेरा नेशनल लेवल कोई एग्जाम क्लियर हुआ है, तो मेरे को उस चीज़ की बहुत खुशी है. फिर सर मतलब मैंने पीएचडी के लिए एनरोल कर लिया था, मैंने 2017 में अपना मास्टर्स 2019 में अपना मास्टर्स कंप्लीट करा था, और फिर मैंने पीएचडी ज्वाइन कर लिया था आईपी यूनिवर्सिटी में. आफ्टर कंप्लीटिंग वन सेमेस्टर लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ. बट देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआईआर फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब क्योंकि फूड टेक के बाद 2 साल का मतलब पहले भी गैप, फिर यहाँ पे फूड टेक के बाद मतलब
कुछ बेस कुछ नहीं बचा था मेरा। तो फिर मैंने आप दोनों की YouTube वीडियोस देखी और उसके बाद मेरे को मतलब अच्छा लगा, मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया, थोड़े मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए और फिर DBT में मेरा 180 मार्क्स आए थे, लेकिन इतना मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था, क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया था, पहली बार 180 मार्क्स आ रहे थे। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मतलब कुछ तो कर सकती हूँ, ऐसे भी नहीं है कि नहीं होगा कुछ। तो फिर मैंने अपना PhD ड्रॉप कर दिया था और फिर मतलब मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, लर्नम की मतलब लर्नम ज्वाइन किया, सब्सक्रिप्शन लिया का, और इतने आप इतने अच्छे से हर चीज पढ़ाई, मतलब जैसे एक स्टूडेंट ने बोला कि CSIR और गेट की तैयारी एकदम डिफरेंट होती है, CSIR में मतलब बहुत डीप में जाना होता है और गेट में ऊपर ऊपर से जैसे होता है, तो आप लोगों ने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स जो जो चीजें मेन होती हैं वो सब बताया। एग्जाम देते टाइम लग रहा था कि जैसे ये सारी चीजें आती है, मतलब उतना मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से मैं अच्छा नहीं ज्यादा कर पाई, बट मैं हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप सभी को बहुत 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 थैंक यू कि आप लोगों की मतलब ये पॉसिबल हो पाया है, घर में मम्मी पापा भी बहुत खुश है इस वजह से, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। 592 इज अ डिसेंट स्कोर, सो इट्स नॉट बैड। यस, क्या हुआ? She was saying that 592 is not a good score, so I was just telling her that 592 is a decent score. Yes. Yeah. There's nothing bad about it. Yeah, that is a obviously. वो 590 is a good score. मतलब आप इससे काफी कुछ IIT में आराम से entry कर सकते हो. Well, all the best, Utpreksha and Varsha Kundu. Hi. Hello, sir. Hello, ma'am. Hello, Varsha. Ma'am, first of all, thank you very much. आप लोगों के बिना तो ये possible नहीं था. मेरा ये पहला एक कोई नेशनल लेवल एग्जाम था और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा BSc था एग्रीकल्चर से, तो मेरा बेसिक कुछ भी उतना क्लियर नहीं था, तो BSc किया, फिर MSc में कैलकटा यूनिवर्सिटी में अभी मेरा चल रहा है, सेकेंड ईयर है MSc का, तो मैंने पहले तो डिसाइड किया कि हाँ CSIR देना है, लेकिन तो कोई कोचिंग लेना है कि किसी से पढ़ना है ये मैंने उतना डिसाइड नहीं किया था, तो इसलिए मैं मतलब YouTube से पढ़ रही थी, इधर उधर भटक रही थी कि हाँ यहाँ होगा या नहीं तो वहाँ होगा क्या होगा करके, फिर धीरे धीरे मैंने फिर देखा कि नवंबर के टाइम में आप लोगों का जो क्रैश कोर्स एक लॉन्च हो रहा है, तो मैं उसमें एनरोल की और फिर पढ़ी, तो फिर आया 521 स्कोर आया, तो मैं खुश हूँ। प्लीज कोई टिप्स है कि बाद में मतलब अभी जो IITs में देना है इंटरव्यू या फिर रिटेन, उसके लिए कुछ टिप्स वगैरह कुछ सर। YouTube पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर आफ्टर गेट एंड उसके अलावा किस हर एक IIT का एक अलग अलग अपना फंडा होता है। सिंपल सा फंडा ये है कि हर एक IIT का एक डिपार्टमेंट का नेम है, बायोलॉजिकल साइंस या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, वॉट एवर इट इज, उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे विजिट करिए और देखिए कि किस टॉपिक पे रिसर्चेज या कौन सी वहाँ पे सब्जेक्ट मेंशंस होते, क्या पढ़ाया जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ लीजिए, ठीक है, चाहे इंटरव्यू के लिए चाहे रिटर्न के लिए, जब भी आप जा रहे हैं। तो हर एक IIT का अलग अलग होता है, जैसे कि IIT बॉम्बे जो होता है बायोलॉजिकल साइंस कोर बायोलॉजी पूछता है, IIT दिल्ली बायोकेमिस्ट्री एंजाइम्स ये चीज़ें पूछता है उसका जो बायोकेमिकल है, IIT BHU भी बायोकेमिकल पूछेगा आपको, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग पूछेगा, IIT कानपुर की बात करें वो पूरा मॉलिकुलर और मैथमेटिक्स पूछता है, IIT मद्रास जो होता है मॉलिकुलर पूछेगा, IIT गुवाहाटी मॉलिकुलर पूछेगा, सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट IITs जो कि आपसे क्या पूछते हैं क्या नहीं करते, तो आप उनके वेबसाइट पर जाके चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं बोला था बाद में जुड़े हुए फ्रॉम ए अल्फाबेट, अनुष्का अग्रवाल, यस, हाँ जिसको बोलना होगा अनुष्का अग्रवाल प्लीज कम टू द स्क्रीन, जिन्होंने जो नहीं बोली थी। यस सर, हाँ जी बताइए मैम। नहीं सर आप मैम मत बोलिए।
अनुष्का अग्रवाल जी बताइए। सर लाइक माय नेम इज अनुष्का एंड आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। सर अब तक से शाहरुख खान बोल रहे थे तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम एक डायलॉग ही मार देते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो है ना माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट वाला। तो मैं शाहरुख हूं वैसे भी, आई एम अ सिंह। सर मेरा शाहरुख खान फेवरेट है। सीरियसली? यस सर। तब तो बहुत अच्छी बनेगी आपकी उमेरी, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। यस सर, इसीलिए तो ऑपोजिट ही रहना है सर आपके, क्योंकि बराबरी कर नहीं सकते और आगे आ नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान कहीं से कभी भी कहीं भी आगे पहुंच सकता है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं। चॉइसेस अलग अलग हो सकती है, दैट इज चॉइसेस। उसमें कंपैरिजन कैसा, आपको शाहरुख पसंद है और मुझे जो है राजपाल यादव पसंद है, ठीक है। नहीं सर, पसंद तो अक्षय कुमार है, जो मेहनती है वही पसंद आता है मेरे को भी। अच्छा, आपको पता है अक्षय कुमार पसंद है, चलो बोल। सर ये जस्ट दैट की ना सर, मेरे को लगा सब कोई बात कर करके आप लोग दो घंटे से सैचुरेट हो गए होंगे। मेरा कोई ऐसा वाओ स्टोरी है नहीं, एंड आई एम रियली एन एवरेज स्टूडेंट। तो मेरे को लगा कि मेरा एवरेज मार्क्स भी है इसमें 585 एंड अन अकेडमी पे फ्री लेक्चर्स ये सब लेते रहते थे। एंड मेरा वैसा कुछ है नहीं सर, लोग बहुत सब पढ़ पढ़ के आते हैं, मेरा वैसा है नहीं, हम थोड़ा रिलैक्स करके ही पढ़ते हैं और हमेशा फेल होते रहते हैं, क्योंकि सी एस आई आर में भी दो बार फेल हो गए और इतना मेहनत करके पढ़ा और उसका LS निकला, रैंक 23 था, बट रैंक तो मैटर नहीं करता। हाँ, बट 98.9% आई आया था, उसमें भी 0.04 से रह गए। लगा कि अच्छा ठीक है, इसमें भी फेल, चलो ठीक है, जा रहे भी नहीं। तो उसके बाद सर इसलिए जो सबसे पहले मिला अभी उसी को पकड़ के चल रहे। BIT मिश्रा में PhD हुआ है, IRF मिला है, इंस्टीट्यूट रिसर्च फेलो सर। बट अभी गेट का इतना मार्क्स आया है, अभी भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, लग रहा है कि ये भी फेल, क्योंकि क्या पता इससे आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। तो सर प्लीज बता दीजिएगा सर, फॉर्म में ना एक्चुअली बहुत कुछ रहता है, SOP, रिसर्च इंटरेस्ट एंड ऑल। यूट्यूब, हर चीज का समाधान यूट्यूब पे है, वीरेंद्र सिंह के ईटलर्डा पे चैनल पे जाइए, SOP रिसर्च प्रपोजल आईएएस सब कुछ है बेटा वहाँ पे। और इसके अलावा कोई समाधान चाहिए, सुबह 7 बजे से पहले काले गाय को सफेद रोटी खिलाइएगा, कृपा जरूर अटकी। सर आई एम फ्रॉम झारखंड सर, झारखंड बिहार सर जानते ना सर थोड़ा सर, वो मैजिक रहता है अपने में, क्या बोले मतलब इसीलिए अभी सर वो समझ नहीं आ रहा ना कि अभी जस्ट इनरोल किए हैं BIT में एज अ PhD, तो सर उसको ड्रॉप करे या फिर आगे IIT के लिए ट्राई करे, समझ नहीं आ रहा। आपको मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर देना, आई विल अपलोड, ठीक है, ओके, जो भी आपको सर थोड़ा फॉर्मेट भी बता दीजिएगा सर, SOP एंड लिखने का एंड रिसर्च इंटरेस्ट। आप मेरे को बस आप बोल देना, मैं टाइप करके भेज दूंगा आपको SOP, ठीक है। एंड सर कोई सोर्स होगा तो मेरे को लगवा दीजिए सर, IIT भेजो मेरा, मैं बताया ना मैं सोर्स वाला। हम बोले ना सर आई एम एन एवरेज स्टूडेंट सर, मेरा सुनो मेरी बात को आप ना, कि अगर लिटरली IIT BHU में जाना तो वीरेंद्र सिंह का नाम कभी नहीं लेना, टॉपर्स को लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, आई एम दैट काइंड ऑफ टॉपर जिसको लोग प्रीफर ही नहीं करते थे, ठीक है ना। इसके लिए अजय को भी पता है कि मैं जिस जब जाता तो मेरे को कोई, ऑल्दो आई वाज अ टॉपर, लेकिन मेरी कोई वल्ली नहीं थी टीचर का, BTech में भी मेरा ऐसा था। तो दिस इज अ केस, लेकिन हाँ मेरा सोर्स कभी यूज नहीं करना, टैलेंट यूज करना सर। हम कभी भी टॉपर नहीं रहे, बट हम भी अपने आप को मानते हैं, अरे हीरो है, हीरो है नहीं मतलब। ऑल द बेस्ट, बिल्कुल चलिए, अच्छा हीरो मानते रहिए। यस, ओके ओके ओके, चलिए। ABDDE से कोई है, CDEF, इनमें से कोई बचा हुआ है जिसका नाम पता हो? कोई एक और भी थे आई थिंक, समथिंग लेके जा रहा हूँ मैं, एक एक करके अल्फाबेटिकली चलते ना। कोई है देवाव्रता समानता, आप बोल चुकी हैं आई थिंक, नाम जो नया लिख रहा है, नहीं है तो मोहन नायडू, हाँ मोहन नायडू थे।
पल्लवी सर है। मैं पल्लवी का नाम देख चुका हूँ, एक एक करके बढ़ रहा हूँ, अल्फाबेटिकल पढ़ रहा हूँ बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, बर्थडे हो सर। तो सर मेरी सफर तो SLA से शुरू हुई थी लास्ट ईयर। लास्ट कैश कोर्स था तो तब हो नहीं पाया था, लाइक 3-4 मार्क्स का रह गया था। तो तब बहुत बुरा लगा था और फिर बाद में तो लाइफ आगे बढ़ गई, तब मतलब वो चेंज हो चुका है अभी। लेकिन तब जो फाउंडेशन ले हुआ था सर, उसकी वजह से मेरे 2-3 लाइफ साइंस के एग्जाम क्रैक हुए, मतलब जस्ट वन डे पहले रिवाइज करके जाया। तो थैंक यू सो मच सर, लाइक बोले वो फाउंडेशन जो बना उससे लर्निंग ये मिली है कि जब भी हम कुछ नया करें तो 100% देके करना चाहिए। तो वो एक लर्निंग सर लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेगी सर। और रही बात दूसरी सर, आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो मे बी सर अगर जो क्वालिफाई हुए उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट करे तो सर। तो सुबह देखा वीडियो पे तो सर, इसमें वन अंबर पे सर ये जो ठीक है, I will try, ठीक है ना? I will try. मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं क्योंकि अगर पॉसिबल होता तो जरूर, क्यों नहीं, ठीक है? Thank you, sir. Okay, all the best Mohan, and जो भी कभी दिक्कत होगी तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जी सर, थैंक यू सो मच। एंड पल्लवी मैम आ जाइए। हेलो सर, हेलो मैम। हेलो, हाँ, वो तो मैं पहचान गया नाम से, पल्लवी से। ये आपकी फैन है, बहुत बड़ी फैन है पल्लवी, आपकी बहुत बड़ी फैन है, मतलब इतना बड़ा कि ये 2 रूम का जो हवा है एक साथ पूरा एक साथ कर देती है, क्या ना, इतनी बड़ी फैन है ये। गेट एक्सेल एंड पीटी दोनों क्वालिफाई हो गया सर, और मतलब इससे पहले GRF क्वालिफाई हुआ था तो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था कि इसमें स्कोर कम आ गया। अब तो अब जब शेर के मुंह खून लग गया तो उसको पानी थोड़ी टेस्टी लगेगा, अब GRF लग गया तो कह रहे गेट तो निकलता है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स होता है। चलो ग्रेट, ऑल द बेस्ट पल्लवी, एंड एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए। हाँ बताइए। अच्छा जी, वही रिवीजन नहीं हो पाया था अच्छे से तो फिर इसमें मतलब नहीं हो पाया, उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाई, पर खुश हूँ कि हो गया, दोनों क्वालिफाई है ऐसा। ओके, एंड थैंक यू इलेवनम टीम, और अजय सर को भी थैंक यू, उनका मैंने प्रोफाइल देखा था कि वो NIT रायपुर से हैं, तो मैं भी रायपुर से हूँ तो अच्छा लगा उनको। NIT रायपुर, बहुत बढ़िया, चलो गुड लक पल्लवी, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। मुक्ति मुक्ति आप बोली थी, आई थिंक नाम मुझे नया लग रहा है, आई थिंक ठीक है। इसके अलावा कोई और नेम है जो जिन्होंने नहीं दिया है? निष्ठा, निष्ठा सर। ओके, कम टू द स्क्रीन, माइक ऑन करिए, वापस आ जाइए, जो लोग नहीं दिया है। जी सर, जिनका रह गया। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच सर मैम। एक्चुअली दोनों ही मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट थे, गेट पे भी और CSIR में भी। CSIR में मेरा LS क्लियर हुआ है एंड गेट में मेरा रैंक 625 है, एंड आई एम सो हैप्पी। अभी मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, एंड जो मैम मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि क्या क्या बोलना चाहिए था मुझे, एंड क्या था कि मैम अभी पहले मैं देखती नहीं होती थी, मतलब वीडियोस वगैरह मुझसे नहीं पढ़ा जाता था, मुझे ऐसा लगता था कि सेल्फ स्टडी से ही होती हैं चीजें, टीचर्स के से नहीं पढ़ा जाता। लेकिन जब मैंने आपकी वीडियोस देखी तो देखा कि कितने अच्छे से कंसेप्ट को समझाया है, ऐसा लगता ही नहीं था कि वीडियो से पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था कि सामने से ही पढ़ रहे हैं। एंड अब इतने मतलब जो आपके वीडियोस वगैरह मैंने देखे हैं उसके बाद और जो आपसे गाइडेंस ली है, तो अब मुझे कोई और चीज देखने का मन ही नहीं करता। मैं जैसे YouTube खोलती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ, सारे ही वीडियोस आपके, सारे ही पढ़ाई के वीडियोस आते हैं। कोई पहले मैं इतनी मूवीज वगैरह देखती थी, अब कोई भी मूवीज वगैरह कुछ भी नहीं होता, सारे स्टडीज के, सारे पेपर्स के वीडियोस आते हैं, और मतलब ऐसे फोबिया, मतलब एक लत लग गई है पढ़ाई करने की, हर टाइम पढ़ाई करते रहते हैं। मुझे तो तेरी लत लग गई, बहुत अच्छी लत लग गई है, बरकरार रखिए। बताइए मैम, ये कैसे आप बिगाड़ रहे हो? अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में मुझे GRF करना है, और
ओके ऑल गुड लक टू द बेस्ट निष्ठा एंड एनीबॉडी एल्स जो लेफ्ट है कोई और कोई और ऐसा जो रह गया जिसको बोलना है यस बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मैं किडनी नहीं तोड़ूंगा प्रियंका आप ओके टर्न ऑन योर माइक आई थिंक आपने बोला ठीक है नहीं आप थी नहीं हाँ जी आ जाइए प्रियंका जी रोहिणी प्रियंका आ जाइए शिव सम्राट को कुछ बोलना था जी शिव किसी को दोबारा मौका चाहिए था दो बातें कहनी थी भाई साहब को भाई बोल दो बातें प्रियंका आज देर शिव लाइक उसके बाद आप कर लीजिएगा यस प्रियंका से प्रियंका सुनाई दे रहा है आपको आवाज साउंड म्यूट करके बैठा हुआ है क्या प्रियंका ने ओके सी लेफ्ट क्लिक सिर्फ आप कंटिन्यू करिए सर सर मैं पूछना चाहता हूं कि सर हमको पता है कि गेट के बाद पीएचडी करते हैं स्टूडेंट एक काम करिए आप एक ईयरबड को निकाल के माउथ के पास लेके आइए तो एक से ही काम चलेगा एक एक से आवाज आ जाएगी उसको पास रखिए माइक की तरीके से ऐसे रखिए ना ऐसे रहेगा थोड़ा सा पास रखिए ऐसा माइक यूज करिए ना उसी में माइक होता है हाँ अब ठीक है बोलिए सर सर मुझे पता है कि गेट के बाद जो हमारा स्कोर है उसके थ्रू पीएचडी में हम एनरोल हो सकते हैं पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम कोई ऐसा जॉब है जो हम कर सकते हैं पढ़ा सकते हो टीचिंग असिस्टेंट का जॉब कर सकते हो कंटेंट राइटिंग का जॉब कर सकते हो गेट के बाद जॉब गेट की वजह से नहीं मिलेगा नॉन टेक्निकल जॉब्स पे जा सकते हो जिसमें गेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वो तो आपको बीटेक के लेवल पे जो ही मार्केटिंग के जॉब्स मिल सकते हैं आपको जो अलग अलग जॉब्स होते हैं वो सब मिल सकते हैं बट गेट के बेसिस पे जॉब बहुत रेयरली मिलता है वी आर नॉट लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल के नहीं कि पीएसयूज इज नॉट देयर सो गेट के बेसिस पे बहुत जॉब नहीं मिलेगा आपको एमटेक मिल सकते हैं या कुछ और जॉब में प्रेफर बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है ठीक है सर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि डीआरडीओ वगैरह में भी हम लोग का मतलब लाइफ साइंस वालों के लिए एक दो कुछ पोस्ट रहता है ये सच है क्या? हाँ डीआरडीओ में होता है बार्क में होता है डीआरडीओ में भी होता है लेकिन उसमें भी स्पेशलाइजेशन मैच होना चाहिए इफ यू हैव बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मतलब आप अनाथ है भूल जाइए आप कहीं पे जा रहे हैं ठीक है ना उसके लिए सर गेट सॉरी आई मीन लाइफ साइंस है सर नहीं अगर आपके पास बीएससी एमएससी है तो एक बार पॉसिबिलिटीज है और सर अजय सर के लिए कुछ कहना चाहता हूं हां जी सर सर आपके साथ सर मेरा उतना ज्यादा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ मतलब कहीं और से आपके साथ नहीं पढ़ा जैसे सर मैं हमसे पढ़ता हूँ अनअकैडमी पे तो सर आपका सर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जो एप्टीट्यूड सेक्शन में मेरा करीब 12 पॉइंट समथिंग कुछ आया है तो मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा आएगा तो उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद और एक चीज कहना चाहता हूँ कि ऐसे YouTube पे बहुत सारे जनरल एप्टीट्यूड के कोर्स मिलेंगे जिससे कोई भी इंसान पढ़ सकता है पर उस टाइम पे जब हम गेट प्रिपेयर कर रहे हैं हमको अगर कम टाइम में बहुत मतलब ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्व करना था जो कि गेट के ओरिएंटेड हो वो सिर्फ आपके कोर्स में मिला मुझे क्योंकि क्लासेस 30-40 मिनट के थे और उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट गेन किया तो सर मेरे मैंने जो भी अचीव किया उसमें आपका भी बड़ा पार्ट है और कांग्रेचुलेशंस यहाँ पे नहीं है पर जो इम्यूनोलॉजी का उनका कोर्स था वो भी मुझे बहुत हेल्प किया और सर मैम मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे कि सर आवाज क्लियर आ रही है क्लियर हाँ बिल्कुल क्लियर है मेरा कान बहुत तेज है मैं तो नहीं भी बोलोगे फिर भी सुन लूंगा तभी तो किडनी तोड़ देता हूँ बताओ सर मेरा मैं चाहता हूँ एक ड्रीम है कि जब मेरा कॉल्फे हो जाएगा सर
मैं आप दोनों से मिलना चाहता हूँ और एक थोड़ा पार्टी करेंगे, तो क्या ये हो सकता है? मैं आ जाऊंगा मिलने, आप क्वालिफाई तो करो, आपको आने की जरूरत नहीं, मैं आऊंगा मिल के जाऊंगा। टेंशन, दिल्ली में मैं ही तो गया था मिलने, लर्नर थोड़ी आए थे मुझसे मिलने, मैं गया था ना दिल्ली मिलने। जी सर, एक बस आखिरी चीज कहना चाहता हूँ, मतलब जैसे आप मेरे एजुकेटर हैं, मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को ना आप जैसे एजुकेटर ही मिले, क्योंकि ऐसे एजुकेटर मैंने तो नहीं देखा अभी तक, क्योंकि स्टूडेंट्स के लाइफ में इतना इन्वॉल्व होते हैं और उनके पढ़ाई से लेके जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो सब पता नहीं चलता होगा टीचर्स को, पर हम स्टूडेंट्स को पता चलता है कि वो प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते बाकी लाइफ के प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाते हैं और हमको सही डायरेक्शन मिल जाता है। तो मैं चाहता हूँ, मेरा दिली ख्वाहिश है भगवान से अब हम ये चीज कि दोबारा जन्म लेंगे तो फिर मेरा ये जो वो लर्नर बनना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? सर एक चीज कहना चाहता हूँ कि सर एक्चुअली सर मेरा नाम शिव सम्राट नहीं है, आप मेरे एजुकेटर है तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा एक्चुअल नाम शिवाशीष है। okay. और ये शिव सम्राट मैंने ऐसे ही रख लिया, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे एजुकेटर है तो आप जान लीजिए मेरा एक्चुअल नाम शिवाशीष है। okay. और पूरा नाम बहुत बड़ा है, शिवाशीष प्रियदर्शी मोहंतो, बहुत बड़ा नाम है। okay, cool. अच्छा। चलिए, तो काफी सम्राट नाम है आपका, एंड ऑल द बेस्ट शिव वंस अगेन। एंड प्रियंका, आर यू देयर मैम? आप बोलना चाहती थी लेकिन फिर बीच में कनेक्टिविटी थी, यू कैन कंटिन्यू। सर मेरी आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है, बताइए। नमस्ते सर, मैम नमस्ते। जी नमस्कार। सबसे पहले बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि मतलब 2 साल हो गए मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था, तो इस साल मेरा गेट हुआ है और गेट में 521 था। बहुत ही ज्यादा थैंकफुल सर, ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाते रहिए और आप सर मतलब हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है सर। मैं मतलब ये पूरा दिल से बोल रही हूँ कि सर बहुत अच्छा लगता है द वे यू टीच, और सर हम लोग बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है, क्योंकि 2 साल से कुछ हो नहीं रहा था और इस साल मतलब हो गया, तो घर पर भी सर पापा मम्मी घर पर बहुत ज्यादा खुश है। कांग्रेचुलेशंस प्रियंका, एक अच्छी चीज मुझे बहुत लगती है जब फैमिली भी खुश होती है, और ये एक मतलब बड़ा ही अच्छा सा इम्पैक्ट होता है हमारे लिए कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं और उसके बाद हमारी फैमिली खुश होती है, तो उस सक्सेस का या उस हैप्पीनेस वो डबल हो जाती है हमारी लाइफ में। हम जो भी क्वालिफाई करते हैं उसकी खुशी तो रहती रहती है, लेकिन उससे जब हमारी फैमिली के चेहरे पर स्माइल आती है, सो दैट लाइक दैट डबल्स दैट हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस जो होता है उसको डबल कर देता है। और हमें लगता है कि और हमें क्या चाहिए, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे किसी काम से खुश हो रहे हैं तो हमें और क्या चाहिए, दैट इज़ वन लाइक वो फीलिंग आती है। सो ऑलमोस्ट सभी लोग डन हो चुके हैं, तो हाँ जी बताइए। YouTube पे वीडियोस मैंने अपलोड किया है, मैं वो लिंक एक बार चैनल पे फिर से शेयर कर दूंगा, SOP को कैसे बनाते हैं, क्या क्या टॉपिक्स को कंसीडर करते हैं। और मैं YouTube पे तो नहीं डाल सकता इस वीडियो को, लेकिन मैं एक PDF सैंपल SOP अपना SOP मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगा, क्योंकि YouTube पे उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, बिकॉज सम ऑफ द चीज़ें मैं कंटेंट हटा के उसमें वो चीज़ें ब्लर करूँगा, ठीक है ना? तो वो चीज़ मैं एक फॉर्मेट आपको एज अ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे बनाना है, SOP हो गया, रिसर्च प्रपोजल हो गया, ठीक है जी? चलिए, सबके लिए हो जाए। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग यू। सर हम लोग ऐसे आपको टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं और फिर आप हम लोग इतना समय नहीं होता, इतना समय नहीं होता मेरे पास, मैं SOP बैठ के किसी का पढ़ूंगा। हाँ, मैं आप देखो एक लिटरली रियलिटी बताऊं, आपका SOP कोई नहीं पढ़ता, IIT में डस्टबिन में पड़ जाता है SOP, nobody is going to entertain your SOP, ठीक है ना? किसी को मतलब नहीं होता क्या करके आओ क्या नहीं करके आओ। इंटरव्यू में अगर अच्छा परफॉर्म कर दिए, इवन मोस्ट ऑफ द SOPs वो कभी PhD में कंटिन्यू भी नहीं होते। आप जो भी आइडिया लेके जाओ वो वही प्रोजेक्ट देंगे जो उनका मन होगा, जो उनके पास होगा,
वो थोड़ी देंगे कि जो आपके मन में हो, क्योंकि बहुत रेयर गाइड ऐसे होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने मन से चीज़ों को करो या एक्सप्लोर करो। तो ये चीज़ ये अपने मन में ध्यान रखे रही है कि एसओपी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, एक नेसेसिटी चीज़ है उसको कर लीजिए, बट उससे बहुत रोल नहीं आता, ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो टॉपिक लेके जाओगे, हाँ जी वो आपके रिसर्च एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए होता है। जब आप वहाँ पे इंटरव्यू में बैठे होगे तो वो आपको बस ये देखेंगे आपने जो लिखा आपने उसको रिलेटेड कुछ पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, आपने जो लिखा आपको वो समझ आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो बस इतने के लिए होता है कि आप कुछ पढ़ो, आप कुछ लिख पाओ और आप कुछ समझ पाओ, बस इतने के लिए है वो आपको बस चेक करिए एग्जैक्टली। चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट प्रियंका। तो सारे लोग हो चुके हैं सर, क्या बोला किसी ने, क्वेश्चन पूछा है कौन है भाई सर, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पीएचडी एंड एमटेक किसको करना चाहिए, मन करे तो कर लो, ठीक है ना, डायरेक्ट पीएचडी मिल रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एमटेक करना एमटेक भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। ऐश्वर्या मुखर्जी का कुछ क्वेश्चन है, वो पर एड्रेस कर लेना। सर मेरा एक क्वेश्चन था, यस बताइए, रूबल बाकी है, हाँ रूबल जी आ जाइए तब तक आप, बाकी क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन तो आप पर्सनली टेलीग्राम पे भी बोल सकते हो। यस मुखर्जी जी, अभिषेक जी कहाँ थे बताया नहीं आपने मेरे को, मतलब मेरा जस्ट एमएससी कंप्लीट हुआ है, तो सर हमारा कोरोना बैच था तो इसलिए डिसर्टेशन नहीं हो पाया था, और सर किसी भी इंटरव्यू में डिसर्टेशन के बारे में पूछते हैं, तो सर उसमें क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहाना तो अभी आ चुका है आप लोग के पास, यू हैव द एक्सक्यूज कोविड-19 की वजह से नहीं है, पहले तो बहाना नहीं था ना, पहले नहीं था तो बहाना ही नहीं था आपके पास, कुछ कह नहीं सकते, अभी बोल दो कोविड की वजह से नहीं हुआ, नहीं तो हम कर लेते, एंड आई नो द एप्टीट्यूड, कुछ कुछ वेबिनार से नॉल ज्वाइन कर लो, हो जाएगा उससे। अब ज़्यादा अभी मैं लिटरली बता रहा हूँ कि आईआईटीज के जो वो जो पीएचडी के सबमिशंस होते हैं, एमटेक के सबमिशंस होते हैं, वो बिना थीसिस के हो रहे हैं, बिना लैब के हो रहे हैं और हो जा रहे हैं। सो एवरीबडी नोज कि इस कोविड ने सब मतलब डिस्टर्ब कर रखा है, तो उस पर अब ज़्यादा तवज्जो इस बैच के लिए नहीं दी जाएगी, और आपके पास ये एडवांटेज है इस चीज़ का यूज़ करने का, सिर्फ कोविड की वजह से नहीं हो पाया सब कुछ, क्लोज था उससे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा ना इंटरव्यू में, ये मतलब... पड़ता तब जब सब कुछ सही रहता तब, अभी के लिए उसका कोई इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं रह गया, पहले पड़ता, अगर कुछ सब कुछ नॉर्मल था और आपके पास थीसिस नहीं होती तब उनको प्रीफर किया जाता है जो थीसिस या जिनके पास लेबोरेटरी एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तो अभी तो वैसे ही है। और सर मतलब मेरा गेट स्कोर 587 है, तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ ना, मतलब सब जगह, जहाँ एलिजिबल हो वहाँ अप्लाई करो, ठीक है ना, कोई नहीं रोकने वाला, जस्ट जहाँ पे एलिजिबल है, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम आईआईटीज में चले जाओगे एक आध दो को छोड़ के, ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट, एनीवन एल्स, नहीं है सब ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। तो सर थैंक यू ऑल टीचर्स फॉर योर गाइडेंस, बिल्कुल थैंक यू ऑल लर्नर्स फॉर योर गाइडेंस, ठीक है। और हाँ जी सर, मेरा नहीं सर, मैं अभी इम्पोर्टेंट चीज पूछ रही हूँ। अच्छा पता ही सर, मेरा ऐसे कोरोना बैच तो नहीं था, उससे पहले मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ था, लेकिन मेरा जो यूनिवर्सिटी है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मेरा यूनिवर्सिटी से मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ ऐसे रिव्यू टर्म पेपर हुआ है, मतलब कोई ऐसे डिसर्टेशन नहीं हुआ है। कोई दिक्कत बहुत नहीं होती, दे में पहले आपको नॉलेज है रिसर्च एप्टीट्यूड की, आपको पीएचडी के लिए जाना है, पीएचडी करके नहीं जा रहे हो ना आप, तो वो बस उतना ही चेक करते हैं कि आपके पास वो स्किल है कि नहीं है, इवन कई सारे तो अभी आपने बोला ना ऐसे, क्या सेमिनार अटेंड तो कैसे करना है, मतलब बहुत सारे वेबिनार्स होते रहते हैं, बहुत सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के होते रहते हैं, कुछ कुछ चीजें करते रहो उसमें, जो अपने रिलेवेंट वेबिनार्स है एटलीस्ट उनको अटेंड करो, थोड़ी सी चीजें देखो, कुछ प्रैक्टिकल एटलीस्ट, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल होते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स के, उनको देख सकते हो, सो दैट अगर वो बोले कि नहीं आपने किया नहीं, तो यू से दैट आई हैव नॉलेज, आई नो हाउ टू आइसोलेट द DNA, वॉट आर द केमिकल्स या वॉट आर द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड, तो पूछेंगे बताओ कौन सा केमिकल यूज होता है, तो आप बता दोगे फिनॉल आइसो क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड है, वॉट इज समथिंग, ऐसे तरीके से जब यू नो कि आपको कम से कम बेसिक नॉलेज तो रख सकते हो ना उन चीज़ों के बारे में, तो ये चीज़ है आप कर सकते हो विद द थिंग्स, ठीक है ना। यस थैंक यू सो मच। तो एनी थिंग एल्स, कुछ और, चलो
तो पिछले उसमें कॉन्फ्रेंस में मैंने गाना गाया था, इस बार मैम गाना गाएंगी प्रॉमिस हुआ था। मैं क्लिप रखा हूँ इसलिए मैं प्रेजेंट कर दूंगा मैम, इसके लिए कुछ नहीं चाहिएगा, ठीक है ना सर? आप ये अदालत है जिसमें कि आप खुद जो है जाकर कटघरे में जाते हो, बयान देते हो, फिर खुद जाकर जो है बच्चे, देखो 30 बच्चे आपका वेट कर रहे थे काफी देर से कि मैम के साथ। सर वो सारे बच्चे जानते हैं गाना इज नॉट माई कप ऑफ टी, काहे फंसा रहे हो आप दूसरे के। हाँ ये बोलिए कि नहीं लाइमलाइट आपके ऊपर जाना है, वो जा चुकी है कि आप अच्छा गाना गाते हो। अब आप मेरे को गंदा गवा खुद अच्छा गा लोगे, फिर वाहवाही इकट्ठा कर लोगे, वो सही नहीं है। यहाँ पे अनु मलिक नहीं बैठा हुआ है, आग लगा दी आग लगा दी। नहीं सर, अरे भाई जो चीज आती नहीं वो कहाँ से करूंगी सर, पता है स्टूडेंट्स लोग को मैं गाना वाना नहीं गाती, गाना सिंगिंग इज नॉट माय कप। अजय भी अच्छा गाता है, एक अच्छी डिमांड हो रही है डुएट की, तो डुएट कर सकते हो आप लोग। अच्छा अजय भी अच्छा गाता है। हाँ तो अजय सर जो है हमारे लिए कुछ सुना देंगे, वैसे भी यहाँ टीम वर्क हो रहा है तो कोई भी टीचर्स नहीं बच्चे सुनाएंगे, चलो कौन सुना रहा है। अरे हाँ सर ये सही, हम तो हमेशा ही पूरे साल बोलते रहते हैं और करते रहते हैं, आज कुछ बच्चों का टैलेंट सुनाओ। ओ बेटा जी सुनाओ, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, सुनाओ दिखाओ मैं हूँ डॉन। एनीवन वैसे टैलेंट यहाँ बहुत भरा पड़ा है मुझे पता है। नहीं रोहिणी से शुरू करते हैं, रोहिणी चलिए शुरू करिए। हाँ सर बंगाल में तो लोग बहुत अच्छा गाते हैं, में तो ऐसे ही वो सरस्वती विराजमान करती वेस्ट बंगाल में। नहीं मेरा गाना सुन के तो वो कुछ भी आ सकता है, तो मैं ऐसे मेरा गाना ऐसे नहीं, मुझे नहीं आता, लेकिन मैं डांस करती हूँ, लेकिन अभी पॉसिबल तो नहीं है इधर। ओके एनीवन एल्स? अरे भाई बहुत छुपा रुस्तम है यहाँ पे लोग, लेकिन आना नहीं चाह रहे। बता सकते हो? देखो मैम वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगी, और मैं किडनी तोड़ूंगा नहीं, मैं मतलब ठीक है हाथ देखो मैं ऐसे रखा हूँ, नहीं तोड़ूंगा, हथौड़ा थोड़ा नहीं लिया मैंने, ठीक है कर सकते हो थोड़ा बहुत समय, मौका ये दस्तूर है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, मौका है चौका मारो सिंगर लोग। देखो शिव भी बोल रहा है कि मौका है, चलो शिव शुरू करो, इसी बात पर उद्घाटन होना चाहिए, चौका मारो। Yes, anyone? कुछ भी बोल सकते हो, अच्छा जो भी टैलेंट। मैम मैं गा दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रजनी जी गा सकती हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, धूप आए तो छाओ तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। थैंक यू गजब, अब किसके अंदर एनर्जी जगी है, नाइस थैंक यू सर। मैं जिया को भेज के रहूंगा, अगर जिया नहीं जा रहा है तो मैं उसको भेज के रहूंगा, जाएगा जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। चलो और कौन गा रहा है? देखो अब तो आप देख के रंग, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना। एनीवन एल्स? नहीं मैं एक बार करता हूँ, मैं दोबारा कोई गलती रिपीट नहीं करता। अच्छा अंताक्षरी खेल रहे हो, एक बार टीचर से एक बार इधर से अंताक्षरी खेल लेंगे। चलो एक शुरू होगा फिर टीचर्स गाएंगे, फिर टीचर्स का टर्न नहीं आता, टीचर्स का यू टर्न होता है बस। सर कुछ और करते हैं? अरे बोल सकते हो भाई, जो लोग कम से कम
बोल सकते हो टाइप, रोहिन अलग से टाइप कर रहे सर, कुछ और करते हैं, व्हाट इज दैट मतलब? नहीं कुछ तूफानी नहीं करना है यहाँ बैठ के। अंताक्षरी में सब गाएंगे, अच्छा ये भी बढ़िया है, चलो शुरू हो जाओ गाना। मामा मामा भूख लगी है, कैसे कुछ गाना है ना, मामा मामा भूख लगी है खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे मामा नहीं। चलो हाँ से शुरू हो जाओ। हाँ से हंसने के लिए नहीं बोला है, गाने के लिए बोला है। सब छुपा उसमें सर, आपने बिगाड़ दिया है सबको, लत लगा दिया है चुप रहने की। गीक्स बना रहे हो तुम लोग, सबको पढ़ने की लत लग गई है, कोई मूवी भी नहीं देखता है। मतलब लिटरली क्या हो गया है जिंदगी में सर, आप ही गा दीजिए, हमको अपनी बेइज्जती करवाने का शौक ही नहीं है, मेरे घर वाले भी देखते हैं, अभी भी दर्द है यहाँ पे, मुक्का पड़ा हुआ है पिछली बार का, ठीक है ना। टाइम सर, अजय सर से स्टार्ट करना है, ए से है, करो करो स्टार्ट। सर मिमिक्री ओए। सर दूसरे कंधे पे मुक्का पड़ेगा। मैं मिमिक्री नहीं करता, मैं दांत तोड़ दूंगा। Why don't we have something from the people from Jammu Kashmir? I mean, yeah, definitely. Yes. Actually, something. We can. Ariha has just joined, I think. हाँ जी चलिए कुछ तो करना पड़ेगा, धरती को नीचे धकेलने के अलावा। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था ना यहाँ ई-लर्नम को, तो यहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी, लिटरली एक तो सारे नल के जम गए थे और हाथ तो बिल्कुल, अभी भी बहुत ज्यादा मतलब ठंडी है यहाँ पे, और पर उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा बर्फ थी और हाथ पूरे जम जाते थे बाहर, मतलब लिखना तो दूर की बात है, मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट उस टाइम पे। बट वही है ना कि जब आपको ऐसे एजुकेटर्स मिलते जिनका मतलब जो आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करते हैं, मोर ओवर कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करते हैं, तो इंसान के अंदर वो ऑटोमेटिकली आता है कि नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी अपने एफर्ट्स पुट इन करने हैं। तो सर और मतलब पिछला साल तो कोविड में गया ना, बट 2019 बहुत डिफिकल्ट रहा है क्योंकि यहाँ पे जब टेलीकम्युनिकेशन पूरा बंद किया था तो फिर दिल्ली जाना पड़ा, फिर फाइनेंशियल टर्म्स भी उतने अच्छे नहीं होते कि हर कोई पीजी में रहना अफोर्ड कर सके, तो सर वो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था उस टाइम पे, मतलब सब कुछ छोड़ के, घर वालों से बात नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रही थी, फिर दिल्ली जाना, फिर मतलब जीरो से बिगिन करना, बट फिर वो ये बट इसलिए मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हूँ इस चीज को लेके कि इतने अच्छे एजुकेटर्स मिले, वीरेन सर, ज्योति मैम का डेव बायो समथिंग जो इंसान सोचता है कि शायद समझ ही नहीं आए, बट मैम का वो पढ़ाने का स्किल, वो हैट्स ऑफ। Congratulations once again. आपको कुछ करना था तारीफ में। कंटिन्यू कर रहा था ना रजनी ने जो किया था उसको कंटिन्यू कर सकते थे आप। अरे उन्होंने जिया नहीं जा रहा था, आप उसको जला देते, जिया जले जहाँ जले ऐसे करके आप कंटिन्यू कर सकते थे। सर मुझे भी अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। सर कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स की लाइंस है, मेरे को इंग्लिश ही नहीं आती, मैं इंग्लिश को भी नहीं बोल पाता कि इंग्लिश को इंग्लिश में इंग्लिश कैसे बोलते हैं। आई थिंक सर वो गाने के लिए कह रही हैं, शायद वो गाएंगी कोई कल्चरल सॉन्ग। हाँ श्योर गा सकते हो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी अगर मेरी वॉइस बुरी लगे तो मैं कोशिश करती हूँ। श्योर श्योर श्योर। एवरीबॉडी नीड्स इंस्पिरेशन, everybody needs a song, a beautiful melody when the night's so long.
Cause there is no guarantee that this life is easy. Yeah, when my world is falling apart, when there's no light to break up the dark, that's when I look at you. When the waves are flooding the shore and I can't find my way home anymore, that's when I look at you. Thank you. Nice. मैंने रिकॉर्ड कर लिया, बाद में ट्रांसलेट करके मतलब समझ लूंगा. ओके सर. एनीवन एल्स कोई कल्चरल सॉन्ग भी गा रहा था? रंजना जी बताइए कौन सा कल्चरल सॉन्ग गाना है? जान आप तो शायद रंजना जी, शायद आप यूपी से थे तो यूपी में तो वही चलेगा ना. अच्छा यूपी आप नहीं थे. हाँ पंजाब से हूँ. अच्छा पंजाब से. मतलब मूड सेट करने वाली चीज है. स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इंजूरियस टू द हेल्थ, ठीक है ना. कोई मूड सेट नहीं करना है. से उनको कह रही थी कि वो अगर कोई कल्चरल सॉन्ग गा दे, मुझे तो बस पंजाबी सॉन्ग आते हैं. वो भी गुरु रंधावा के, मतलब इतनी अच्छी बात है. अच्छा दिल, मुझे समझ में नहीं आता लोगों की जिंदगी में एक सांझ होती है, उस भाई साहब के दो सांझ है, मतलब दो सांझ एंजॉय करता है एक साथ वो. इसीलिए तो उसने दिल जीता हुआ है लिटरली. उसका नाम बहुत लिटरली बहुत मस्त है, दिल जीता है इसीलिए क्योंकि उसको दो सांझ एक साथ लेके जाता है. हम एक दिन में एक सांझ एंजॉय करते ना. सर आप सुना दो. क्या सुनना है सर? कुछ भी आपको. मुझे बंगाली नहीं आती. सुना आपने? इतना ही मेरे को आता है, बाकी तो मैंने क्या सुना सकता हूँ. मैं कुछ नहीं सुना सकता, मैं बहुत डरता हूँ. अच्छा दूसरों की बेइज्जती से. मैं पत्नी के लिए से निकल जाती हूँ इससे पहले. क्योंकि मेरे को मौका मिलता है फुल टॉस तो मैं छक्का मार देता हूँ, कभी छोड़ता ही नहीं. मैं सामने वाले को लपेटने में कभी कोताही नहीं बरतता, ठीक है ना. सो और कोई सुनाने वाला है या बस ऐसे ही हो गया? यार आप लोग तो सूखा सूखा जा रहे हो, बताओ. मैम को भी छोड़ दिया, अजय सर को भी छोड़ दिया, ठीक है ना. ऐसे सूखा सूखा नहीं होता है यहाँ पंजाबी लोग. मुझे समझ नहीं आता सर, खतरा हमें स्टूडेंट से या आपसे है? अरे मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है. इसके बाद अब फिर CSIR के बाद मिलेंगे, ठीक है ना. अब फिर उसके बाद गेट के बाद मिलोगे, तब तब मैं चलता हूँ. मैम लोग से बात करते रहो. हाँ बिल्कुल सुना सकते हो. बिल्कुल सुना सकती. मुझे पक्का शक है कि ये भांगड़ा होने वाला है साथ में डांस करने के साथ. अब तो मैं शायद मैं थोड़ा ठीक ठीक सॉन्ग सुनाने लगी थी अब फिर से. चलो फिर भी कोशिश करती हूँ, माफ कर देना सर. दिल दियां दिले विच सब दब लेने आ, कहना भी चाहिए पर तावी चुप रहने आ. नैणा नू लोड़ तेरी दी दूर भी रहना नहीं आंदा. दिलों तेरे ना किन्ना प्यारे, सानू ते कहना भी नहीं आंदा.
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਨਾਈਸ ਅਪਾਰਟ ਓਕੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਫੈਬੂਲਸ मुझे समझ में नहीं आया लेकिन अच्छा बहुत लगा मेरे को कुछ मतलब नॉर्मली गाया कुछ ऐसा जुगाड़ लिया कि नहीं कहते सारे समझते हैं पर ऐसा नहीं मैं समझता हूँ आई नो पंजाबी मैं पंजाबी समझता हूँ बंगाली भी समझता हूँ और कौन सा गाना सुना था अमर लोग को बेटे लोग कुछ था ना लोम्बो लोम्बो चूल आमे माथा बांधे दो वो लाल गेंदा फूल ठीक है ना मेरे को अभी भी याद है ठीक है तो मेरे को बंगाली भी आती है ओह गॉड तेरे भूल भाल गाए जा रहे हो जैसा भी है भूला भाला याद तो कॉन्फिडेंटली हो कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के अंदर ठीक है ना इस तरीके से गाओ कि सामने वालों को पता भी ना चले कि आप भूल भाल भी गा रहे हो उसको पता चले तो एक काम करता हूँ ना क्लास में गलत भी पढ़ाता हूँ लेकिन इतना कॉन्फिडेंस से पढ़ाता हूँ कि पता भी नहीं चलता गलत पढ़ा रहा हूँ ऐसा लोग बोलते हैं सॉरी बड़ो लोग जो भी है बड़ो लोग के हैं छोटे लोग के बेटी लोग हैं वही होता है सबका मतलब बाल लंबा ही होता है ना क्या छोटे लोग के बेटी तक उसका लंबा लंबा बाल नहीं हो सकता क्या और उसको गेंदा फूल नहीं बांध सकते आप क्यों खाली बड़े लोग के बेटी को क्यों गेंदा फूल बांधोगे मतलब वाई ऐसा क्यों पार्शियलिटी क्यों चलता रहता है मतलब यू कैन थिंक ना अच्छी चीजें करो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता यहाँ पे गाने में कौन लॉजिक ढूंढता है गाना बहुत मस्त मस्त होता है बहुत सारे गाने इतने मजेदार होते हैं जिंदा रहने के लिए सनम एक मुलाकात जरूरी है सनम ठीक है ना अब व्हाट एग्जैक्टली मतलब अगर ऐसा तभी हो सकता है जब ऑक्सीजन आपका दूर रह रहा हो और आप अदर दूर रह रहे हो एक गाना है मुझे उस एक गाना वो ना कि जब भी बनाना उसका ही बनाना अब बनाना केला इसका केला उसका केला क्यों मतलब इट इज व्हाट लाइक समथिंग आई डोंट नो कैसे ऐसे गाने क्यों बनाते रहते हैं बहुत अजीब अजीब गाने बनते रहते हैं बॉलीवुड तो मस्त रहता है आपस की खिचड़ी बनाते रहते हैं बहुत मजा आता है जब से तुझे मैंने देखा सनम मेरी सांसों में तुम मतलब ये तो वायरस हो सकता है जो सांसों में जाएगा कोविड तो वही तो चल रहा है जब से तुझे मैंने देखा कोविड के लिए पट पट गाना बना हुआ है दिस इज वेरी सिंपल कई सारे गाने जो साइंस पे बहुत होते हैं जैसे एक रिसेप्टर लिगेंड के लिए हमेशा यही तो बोलता है हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा वो भी कर सकते हो तो लॉट्स ऑफ फनी थिंग्स इन देयर यू कैन जस्ट विजुलाइज मैम जैसे बच्चों में देखोगे तो आपको पूर्वज याद आ रहे होंगे मैं खुद अपनी शक्ल देखता हूँ तो लगता है मेरे पूर्वज बंदर थे ये यकीन होता है देखने के बाद कई लोगों को लगता होगा देखने के बाद बहुत ज्यादा खतरनाक मैं पानी में से जल निकाल देता हूँ जो सोच रहा हूँ पानी में से जल ही तो निकलेगा और क्या निकलेगा मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहा है सब बोलने के मैं सुनने का काम कर रहा हूँ जल प्योर होता है ठीक है ना और पानी प्योर नहीं होता पानी कैसा भी हो सकता है गंदा अच्छा सब भी तो पानी में से जल निकाला जाता है उसका एक लॉजिक होता है आई डू बायो रेमेडिएशन उसमें मैंने अपना प्रोजेक्ट घुसेड़ा है सर हंसना रुक नहीं रहा है कोई बात नहीं है होता रहता है कभी कभी चीजें गाना गा लो रुक जाओ दिल दीवाने पूछू तो मैं जरा ऐसा कि किस बात की खुशी हो रखे गेटी क्वालिफाई हुआ है अभी पीएम मोदी के साथ सीट थोड़ी मिल गई है और यहाँ पे वो तो भाई चला गया शिव भाई को उसको तो बोलना था यार तुम पॉलिटिक्स में जाओ बहुत अच्छा तुम तारीफ करते हो पब्लिक खुश हो जाएगी और जिस तरीके से आजकल का पॉलिटिक्स चल रहा है देयर अमेजिंग फनी थिंग्स आर देयर एड्स तो खतरनाक आते है मतलब वाइल्ड स्टोन का एड आता है आपको मर्दानगी का वास्ता दैट इज लाइक कितना मस्त होता है मेरे को लगता है कि अगर आप सोचो स्मेल भी अब ये अलग अलग हो चुका है इट वाज लाइक कि अब आप वो लगाता है तो वो फीमेल हो जाएगा वो लगाएगा जेंडर चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है आप पाउडर लगाओ वाइल्ड स्टोन लगा के मेल हो जाओगे दैट इज लाइक साइंस पूरा अलग छोड़ो यार सब मस्त है ऐसा चलता रहता है यामी गौतम को कौन गोरा नहीं बना सकता मैं कहता हूँ मुझे फेयर लवली लगा के गोरा बना के दिखाओ मैं अकाउंट का पूरा पैसा दे दूंगा नहीं कर सकते ना देयर अमेजिंग पूरी दुनिया एक तरफ साइंस एक तरफ ना
साइंस, अरे आई थिंक अभी आजकल चल रहा है बायजूस का एड, देखो कितना मस्त बायजूस का एड आता है शाहरुख खान, वहाँ पे ढेर सारे लर्नर टीचर बैठे, मतलब पेरेंट्स बैठे रहे, कहते हैं आपके एरिया में अच्छे एजुकेटर्स कितने के नहीं पा पाते, सब हाथ उठाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो बायजूस अच्छे एजुकेटर्स को लेके आता है वो एलियन लेके आता है, क्योंकि सारे पेरेंट्स के एरिया में तो है ही नहीं, तो फिर किस एरिया से एजुकेटर निकल के अच्छे आते हैं, लॉजिक ही नहीं पता चलता उन लोगों का, अलग ही लॉजिक चल रहा है हर चीज का, एडवर्टाइजमेंट का लॉजिक मजेदार ही होता है, ठीक है ना सर? बिल्कुल, हम सब मिलके गाना गाते हैं, ये हुई ना बात, नाउ आई अप्रिशिएट सर निष्ठा घोष, चलो चलो शुरू करो। अरे शिव भाई मैंने ना मोदी जी से टिकट करवा दी, चले जाइएगा बैठिएगा और सही तरीके से तारीफ करिएगा, वैसे बहुत जत्था कर लेते हैं आप, एकदम तारीफ मस्त, एकदम अमित शाह का जो टिकट है वो खत्म, बैठेंगे एकदम निकलेगा अच्छे से, ठीक है ना? नहीं हमको स्टैंड अप कॉमेडी, हम बैठ के कॉमेडी करना पसंद करते हैं। चलो सर हम गाना तो शुरू करो, शर्मिष्ठा जी कहाँ गए, ले गार भी नहीं रहे, थोड़ा देर का समय है, नहीं तो हाँ जा शुरू करो फटाफट, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, सब मिलकर गाएंगे तो कुछ हो जाए, मिलकर गाएंगे बता नहीं, गाना चूज करो, श्रुति ने बोला कौन सा गाना, अच्छा गिव मी सम सनशाइन, प्लेस ऑन करते हैं, सूरज तो नहीं आ सकता मैं, जनगण मन खड़ा होना पड़ जाएगा भाई उसके लिए, हम होंगे कामयाब, कोई बढ़िया से गाना बताओ, भैया स्कूल में नहीं है, मैं नन्ना मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, यू आर लाइक थोड़ा तो अच्छा कुछ कर सकते हो, जनगण मन हम होंगे कामयाब, गिव मी सम साइन, बहुत टूटी हुई जिंदगी है यार, कम से कम कुछ मौका मिलता है तो कुछ तो हंसने वाली, इतना लगता है कि ब्रोकन पीसेस, आई एम लाइक जस्ट उस तरीके से, ऐसे क्यों चलते रहते हो, माना कि किसी ने दिल तोड़ा है, हम मैं किडनी तोड़ चुका हूँ, लीवर मैम तोड़ देती होंगी, ठीक है ना, ठीक है चलते हैं, काफी समय हो गया, आज संडे सर, अरे भाई अजय सर इज अ वेरी लाइक कह सकते हैं कि इनके पिता श्री जो अंकल हैं ये मिले थे और बनारस आए थे जब इनकी पूरी फैमिली आई थी, तो दे आर वेरी नाइस, पूरी फैमिली बहुत अच्छी है और मम्मी तो काफ़ी अच्छी है इनकी, एंड इनके पिताश्री ये काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाना इज लाइक क्वाइट, जो कि कुछ जरूरी नहीं कि हर चीज से पैसा कमाया जाए, हर चीज से बहुत वो चीज अजय भी कंटिन्यू करते हैं अपने साथ, ठीक है ना, कुछ बच्चों को घर पे बुलाते हैं और उनको पढ़ाते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं, तो कुछ हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है, तो दैट इज वन गुड वर्क, इट इज नॉट अबाउट कि संडे को वो जॉब वो जैसा होता है, अपना वो चीजें होती है, ठीक है ना, तो उनमें से वो ये काम करते हैं, ठीक है ना। अब मेरे जैसे लोग हैं, मैं तो ऐसा हूँ बस पैसा दिखना चाहिए, ठीक है ना, अगर मेरे को पैसा मिलेगा तभी मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। चलो जी सर, कुछ लोग बोले जी सर, अरे भैया मजाक को सीरियस समझ लेते हैं कुछ लोग तो, चलो ठीक है तो चलते हैं, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, एंड एंजॉय करिए आप लोग बिजनेस, ठीक है वो अलग चीज़ है, ग्रेट करने से बहुत अच्छा लगा, ग्रेट करने से ज़्यादा आज खुश हुए हैं, खुश रहिए, नहीं सर अगर ऐसा होता, ठीक है ना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ई लर्नम विथ ऑल द टीम्स, देखते का मतलब हम बीच बीच में से जुड़ते रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा मैं सीरियस रही है, रोहिणी मूड में धीरे धीरे आ रही है, ठीक है ना। एनीथिंग फाइनल नोट मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं या अजय कुछ फाइनल नोट पे कहना चाहते हो, क्योंकि बच्चे तो अब कुछ करने वाले हैं नहीं, ठीक है। बस यही कि आपने जो भी अभी अचीव किया है, अगर दिस वाज द फाइनल एम, तो पहले तो कांग्रेचुलेशन, अच्छे से अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू दीजिए, एनरोलमेंट कीजिए खुद का, और जिनका ये पहला है, मतलब इसके बाद भी जिनका बहुत कुछ टारगेट, तो आई विल सजेस्ट यू जो भी अभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ है उसको प्रॉपर डायरेक्शन में यूज कीजिए, एंड बिलीव मी ये शुरुआत है, इसके आगे भी बहुत कुछ अच्छा होगा, बस आपको बिलीव रखने की जरूरत है और मेहनत करते रहने की जरूरत है, रुकना नहीं है, जैसे कि मैं अपनी क्लास में कहती हूँ 0.1% या 0.01% ही सही, बट रोज कुछ एक्स्ट्रा कीजिए कल के मुकाबले, वो ऑटोमेटिकली आपको एक कंसिस्टेंस पावर देगा और साथ साथ आगे बढ़ते रहने में हेल्प करेगा। या जय, एनीथिंग यू वांट टू से?
nothing much, but we have got, you know, so much stories today from so many people that will inspire a lot of people, you know, in the future when we'll put this whole recording on the YouTube or the public platform. And to be honest, I have heard something from you guys today that will, you know, inspire me to do something better for you guys, actually, for the people, the coming people, actually. So thanks to you guys, actually, ki aap logon ne yahan pe aake itna wait kiya, itna patience ke saath sari cheezein ki hai. So thanks, thank you, actually. Okay, so Vishal, aap kuch karna chahte hain? Yeah, hello. Yeah, hello. Hi, everyone. My name is Vishal Singh. I really congratulate all students and keep your success at high place. Oh, that's much. Thank you very much. Okay, so this is my turn. ठीक है ना? और आपको पता है कि मैं कुछ करूँ ना करूँ, पोएट्री के बिना तो छोड़ूंगा नहीं. ठीक है ना? तो वन पर्टिकुलर थिंग, ठीक है ना? तो दैट वन पोएट्री फ्रॉम माई साइड, स्मॉल पोएट्री, नॉट बुक पोएट्री. फाइनल मैं कभी कभी बोलता रहता हूँ, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक गाइस. जिसका भी माइक ऑन है प्लीज अपना माइक टर्न ऑफ कर लीजिए. ठीक है? सो कहते हैं कि राह में कांटे बिखरे रहेंगे, राह में कांटे बिखरे रहेंगे, उन कांटों पर चलना तो होगा. राह में कांटे बिखरे रहेंगे, उन कांटों पर चलना तो होगा. लड़खड़ाएंगे कदम भी कभी कभी, लड़खड़ाएंगे कदम भी कभी कभी, तुझे खुद संभलना तो होगा. जो धीमी पड़ जाए तेरी रफ्तार तो, जो धीमी पड़ जाए तेरी रफ्तार तो, बीच में ठहरना तो होगा. मिलेंगे जिंदगी, मिलेंगे जिंदगी में गम के कीचड़ भी, मिलेंगे जिंदगी में गम के कीचड़ भी, उन कीचड़ में तुम्हें खुशी से खिलना तो होगा. कुछ लम्हे होते हैं कुछ सिखाने के लिए, कुछ लम्हे होते हैं कुछ सिखाने के लिए, किसी मोड़ पर उन लम्हों से मिलना तो होगा. हम उड़ेंगे आसमां तक, हम उड़ेंगे आसमां तक अपने हौसलों से, हम उड़ेंगे आसमां तक अपने हौसलों से, पर हौले हौले अपने कर्म से जमीन पे उतरना तो होगा. सो गाइज, हमेशा ध्यान रखिए कि हम अपने चाहे हौसलों से कितने ऊपर पहुंच जाए, लेकिन अपना जो पैर है जमीन पे रख के उड़िए तो वो ज़्यादा बेहतरीन है. हमेशा पैर अपने जमीन पे रखिए और हौसलों को बुलंद करिए. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. मिलेंगे फिर कुछ नए चेहरे के साथ, कुछ नए लोगों के साथ, वंस अगेन किसी और एग्जाम क्वालिफाइड, मे बी DBT, ICMR एंड ऑल. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर. Thank you, sir. Bye, everyone. Thank you so much for joining. Thank you, ma'am. Thank you, sir.